दिन खुल गए सुबह में, आदत हो गया होगा ना 4-5 दिनों में आप लोगों की सुबह आराम से आदत हो गया था लेट से उठने का। कोई बात नहीं, आदत छूटता है, लगता है तो छूट भी जाता है। चलिए हम लोग कहाँ तक जो किए थे उसको हम थोड़ा सा आगे, क्योंकि इसमें जितने लोग हैं इतने लोग क्लास अटेंड किए थे मुझे लग रहा है, बाकी फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ ताकि जो लोग बचे हैं उनको दिक्कत ना हो और काम हो जाए। दोहरा दो ना, जस्ट बोलो ना, सब कुछ मत रहो, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले ये बताइए कि जो लाइव क्लास जो लिया था उस लास्ट क्लास को कहाँ तक लिया था, कोई आइडिया है किसी को कहाँ तक लिया था बताइए। नहीं नहीं, मतलब कि ये वाला जो क्लास लिया था ऑफलाइन, जिस दिन क्लास कराकर मैं गया था, ह्यूमिडिटी मैंने शुरुआत कर दिया था, मैंने बता दिया था कि आरएच 100% कैसे होगा, बता दिया था ना। तो मैंने आपको 2-3 चीज बोला था कि ह्यूमिडिटी को कैसे रिलेट करना है, इसके लिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और आप आ जाना दिमाग में। हाँ मैं वही से करा, इसलिए बोला था। पेज नंबर आपका जो है 177 पे है तो ठीक है, आप फुल भी लोगे तब भी काम हो जाएगा, अदरवाइज 177 ओपन कर दो क्योंकि दिमाग में अब बच चुका है। आज अभी देखो बारिश हुई है, और बारिश हुई है तो आपको आइडिया खुद से लग जाना चाहिए कि बादल कौन सा निर्माण हुआ, और बारिश तेज हुई है यहाँ पे जो होगा, तेज बारिश हुई है आपको पता है ना, लेकिन बारिश ज्यादा देर नहीं हुई है, किन के तरफ बारिश आज हुई नहीं है। अच्छा कहीं कहीं पे नहीं हुआ होगा, गांव में नहीं हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बारिश हुई है वो इतना इमीडिएट बारिश होता है कि आपको एकदम से लगेगा कि बस 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 बर्बाद कर दिया, और फिर शांत हो जाएगा। तो इस समय जब इस तरीके का सिचुएशन हो तो आपको यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, यूपीएससी क्या करेगा वो मंथ वाइज पूछेगा, वो जान दे उससे ऐसे डालेगा क्वेश्चन में इन अप्रैल टू जून, या इस बीच में डाल देगा, एक पर्टिकुलर डेट डाल देगा। 2016 का सबसे भयंकर फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था जिसमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था, 1% भी रटा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं बना पाया था, सब लोग परेशान हो गए थे, जिसके बाद से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। सीधा डेट स्पेसिफाई किया था कि 28 अप्रैल, और 28 अप्रैल को सडनली आप जा रहे हैं। अच्छा ये भी दे रहा है आपको घुमाने के लिए कितना, कि आप कहां से कहां जा रहे हैं, ताकि आप इसमें उलझते जाएं। और लास्ट में क्या पूछ रहा है कि आप गए बारिश हुई, अंधेरा ही अंधेरा हो गया, मतलब सीन एकदम मूवी वाला क्रिएट कर दिया। और नीचे क्या क्वेश्चन पूछ दे रहा है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल विच टाइप ऑफ क्लाउड, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आज अभी जो बारिश हुई है क्यूमुलोनिम्बस है, क्यूमुलोनिम्बस बादल है, बारिश देखो वो तो कॉन्वेक्शनल आएगा, क्योंकि आपको ओरोग्राफिक जाओगे नहीं, ओरोग्राफिक में आपको बताया कि सर माउंटेन और उस ओरो मतलब होता है ये माउंटेन, माउंटेन एरिया जनरली होता है, फ्रंटल का सिचुएशन बिल्कुल अलग है, तो बच गया ले देखे कौन कन्वेक्शनल। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब बनेगा तो बारिश काफी तेज होती है, अंधेरा छा जाता है, और उसके बाद बारिश तेज तो होती है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं होती। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो मैं ह्यूमिडिटी से एक बार करा देता हूँ, आप लोग सुनते जाना, कनेक्ट करते जाना, क्या रेडी हो? यस सर। उसके बाद एक और आगे उसके पार्ट का साइक्लोन में स्टार्ट कर लेंगे। तो ह्यूमिडिटी में सबसे पहला जो आपको दिमाग में रखना है, एलिटी बस देखते चले जाइए। मैंने आपको बताया था ह्यूमिडिटी के अंदर 3-4-5 चीजें मोटा मोटा, एक बोला था कि पहले ह्यूमिडिटी कैपेसिटी पे ध्यान देना, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, अगर मैं ट्रोपोस्फीयर की बात करूं तो घटेगा, और टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, तो आरएच बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ये 3 फैक्टर दिमाग में रख लो, टेम्परेचर का घटना यानी कि हाइट ऊपर जाना, टेम्परेचर घटना, टेम्परेचर घटेगा तो कैपेसिटी घटेगा, और जब कैपेसिटी घटेगा मतलब क्या, क्षमता है कि अब वो छोड़ दे बारिश हो जाएगी, और आरएच जब तक 100% नहीं होगा तब तक बारिश नहीं होगी। आरएच हर ड्रॉपलेट्स के लिए क्या अलग होगा, एक जैसा होगा, अलग अलग होगा, हर एयर पार्सल का ड्रॉप अलग होगा। अब आरएच अगर 100% जैसी हुआ कोई भी बारिश बरस जाएगा, लेकिन टेम्परेचर फैक्टर मैटर करेगा, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री तक है तो बारिश हो रही है, 0 डिग्री से जैसे ही अब माइनस में गया फ्रीजिंग पॉइंट के उधर, तो सर वो बारिश रेनफॉल हो जाए क्या होने लगेगा, स्नोफॉल होने लगेगा। क्या याद है, क्लियर है? बस 3 फैक्टर मैं कैसे याद रखूंगा, मैं कैसे याद रखता हूँ, आप वैसे ही याद रखो, सिंपल टेम्परेचर से रिलेट करो, टेम्परेचर घटा कैपेसिटी घटेगा बढ़ेगा, घटा और आरएच बढ़ गया, आरएच बढ़ के 100% जब तक नहीं होगा तब तक बारिश होगी नहीं। तो किसी तरीके से आपको आरएच कितने पे लाना है, 100%, किसी भी ड्रॉप का आरएच 100% हुआ बारिश शुरू। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइएगा। तो अब वहां पे आपको मैंने 2-3 वर्ड बोला था, ड्यू पॉइंट बोला था एक वर्ड, बोला था ना ड्यू पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको वही आरएच की बात हम कर रहे हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मैंने वही बोला कि सर जो जिस पॉइंट पे वो ऑलरेडी अचीव कर ले रहा है अपना, और उसके बाद मतलब वाटर वेपर जहां पे क्या है जो सेम है, और एयर पार्सल के यूनिट अलग अलग है, उस पर एक डायग्राम बनाया था आपको जो माइंड मैप था सिंपल की, बड़ा सा है और धीरे 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 घट के सिर्फ वेपर बच गया उसका, मतलब ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी उसकी कम हो गई, कैपेसिटी जैसी कम हुई ड्रॉप बच गया, बात खत्म। पेज 178 पे आइएगा, बस थोड़ा देखते चले जाइएगा। तो सर सैचुरेटेड एयर का मीनिंग क्या था, आरएच जब 100% हो तो क्या होगा, सैचुरेटेड एयर, अरे यही ना,
मैंने बोला था सैचुरेटेड का सिंपल मीनिंग है जहां से बारिश का होना शुरू, उसका ड्यू पॉइंट अचीव हुआ, ड्यू पॉइंट अचीव होने के बाद बारिश शुरू, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या था? जब तक आरएच उसका 100% अचीव नहीं हुआ हो। और मैंने आपको बोला था कि आरएच अगर उसका 28% रह गया, 30% या 99.9% भी रह गया, तब भी उसको हम बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड है। सुन पा रहे हो? यानी कि सर बारिश होने के लिए आरएच मस्ट बी 100%। क्लियर है यहां तक? अब उसके क्या समझ में आ रहा है ना? अब उसके जस्ट और नीचे आएंगे तो आरएच के बाद मैंने बोला था एक अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड सिचुएशन बताया था कि अचानक से क्या होता है कि सर उसका आरएच 100% से काफी ज्यादा हो जाता है और वो केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था चाइना वाला कि सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल करके उसने किया और वो ना सैचुरेटेड हो पाया ना अनसैचुरेटेड, बल्कि वो हो गया सुपर सैचुरेटेड। एकदम से बादल फटा और बारिश इतनी तेज हुई कि बाढ़ क्रिएट कर दिया। अब जरा उसके नीचे उसके आगे का पार्ट है। तो रेनफॉल के लिए बस एक ही कंडीशन है जो इम्पोर्टेंट है कि आरएच कितना होना चाहिए 100%। उसके बाद अपन आते हैं पेज नंबर 179 पे। 179 पे आएंगे तो उसमें वही अलग अलग पार्सल की बात की गई है, हर पॉइंट कैसे, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड मैप के लिए। नेक्स्ट 180 पे आएंगे, 180 तो आपको ड्यू पॉइंट वगैरह क्लियर है ना? यस सर। अब 180 पे आएंगे तो आपको सेम चीज डायग्राम वहां पे है, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। उस डायग्राम के अंदर जो नॉर्मल बातें जो हमने पीछे पढ़ा है वही का अलग अलग एग्जांपल में मैंने तोड़ के जिक्र किया है। जैसे उसके अंदर मैंने सबसे पहला लिखा है कि जब तक आरएच 100% नहीं हुआ तब तक बारिश आप सोच नहीं सकते। उसी बात को 181 पे क्लियरली थोड़ा स्पष्ट शब्दों में 2-3 बार रिपीट किया गया है, बात खत्म। लेकिन उसमें कुछ एक बात की गई है प्रेशर बेल्ट की, जो मैंने आपको पढ़ाया था, प्रेशर बेल्ट बढ़ाया था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो सर इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट था था तो सब ट्रॉपिकल था, पोलर भी था। तो जो पहले आपको पढ़ाया था जिसमें आपको स्टडीज और स्टडीज वाला जो डायग्राम बताया था उसको उससे कनेक्ट करना है, क्योंकि वो ये नहीं पूछेगा कि आरएच 100% कौन सा ड्रॉप का वर्जी है, वो सीधा पूछेगा कि ट्रॉपिकल में या सब ट्रॉपिकल में या पोलर में कैसे आरएच 100% होगा, तो उसमें बारिश होगी कि स्नोफॉल होगा। अब आप कॉमन सेंस से बताओ, अगर मान के चलिए सिंपल कि अगर आरएच 100% हो गया है ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल -60°C, तो रेनफॉल होने का चांस है क्या? नहीं है, स्नोफॉल ही होगा। और इसीलिए मैंने बोला था उस सारे कंट्री जो लगभग इक्वेटर से काफी ऊपर है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा उसका ऊपर सब ऊपर ऊपर है, और अगर वो ऊपर है तो वहां पर उसका जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर इतना ठंडा होगा या गर्म होगा? ठंडा होगा। तो वहां पर बारिश की संभावना है कम है, उससे ज्यादा स्नोफॉल ज्यादा होगा और इसलिए आपको उधर स्नोफॉल मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। वहां पे न्यूज में ये रहेगा कि आज स्नोफॉल के कारण ये रोड जाम हो गया, इंडिया में न्यूज में रहता है बारिश के कारण छीछा लेदर मचा और पूरा का पूरा नाली से बाहर आ गया। आप समझ पा रहे हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस है। तो ये टेम्परेचर के कारण होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अभी बारिश हो रही ना, अभी इतनी सारी पोर्ट खुलेंगे ना, अभी आप देख लीजिएगा बारिश अभी शुरुआत होने वाला है। बारिश होते हुए आपके मोहल्ले में कहीं का फोटो हर न्यूज पेपर में आएगा, इस मोहल्ले में नाली जलकुंभी सब निकल गया, फिर ये निकाल दिया लोग, ये कर दिया, बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होती है, सुनते सुनते आदमी हैबिचुअल हो गए। चलिए अब आते हैं लास्ट पेज नंबर 181, जहां पे दो चीज की बात की गई है। एक तो क्लाउड के टाइप्स मैंने पहले बताया था ठीक है, लेकिन रेनफॉल की बात की गई है। बस यही है, इमीडिएट दो बार रिपीट कर देने से अच्छा क्या हो रहा है कि आसान हो गया, उसके बाद पूरा दिमाग में बस जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल आप ही बताओ ना, रेनफॉल में कितने कितने टाइप्स है? थ्री टाइप्स। उससे पहले मैंने बोला था प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है नीचे आना, और नीचे आना में दो चीज आ सकता है, रेनफॉल या स्नोफॉल। अब फिर उसके बाद रेनफॉल को अलग से टाइप उसका पड़ेगा, फिर स्नोफॉल को। तो प्रेसिपिटेशन हम बचपन से पढ़ते हैं कि बारिश का होना, हम लेदर कर ये बात कह भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कह सकते, कह सकते हैं, करेक्ट बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि बॉस जब हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो सिर्फ उसमें रेनफॉल ही नहीं होता बल्कि उसमें स्नोफॉल भी होता है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्नोफॉल कम होता है या रेनफॉल ज्यादा होता है, लेकिन जब बात हम अगर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो वहाँ रेनफॉल कम स्नोफॉल ज्यादा होता है। तो इसलिए थोड़ा प्रेसिपिटेशन रख के दिमाग में रख लीजिएगा कि बस इसका मतलब होता है सिर्फ नीचे आना, और नीचे कौन खींचेगा उसको? ग्रेविटी खींचेगी। और जब ग्रेविटी कब खींचेगी? जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। कैपेसिटी जब उधर ऊपर ड्रॉप का कैपेसिटी घट जाएगा तभी तो ग्रेविटी और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आप सोचो अगर ग्रेविटी इतना ही मजबूत रहता तो फिर ऊपर जा क्यों रहा है? आप कमाल की बात देखो ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस लग रहे हैं। हर चीज इस दुनिया में जो ऊपर जाता है उसको ग्रेविटी नीचे खींचती है। सोचो ड्रॉप ऊपर चला गया, उस समय तो ग्रेविटी ने कुछ नहीं किया। आप कमाल की बात सोचो, मतलब क्या फील कर पा रहे हो आप कि सर पानी ने वेपर को, मतलब सनलाइट ने पानी को गर्म कर दिया, वेपर बनकर ऊपर चला गया। ग्रेविटी का वेपर पर कोई रोल नहीं था, वो तो हर चीज को खींच रही है अपनी तरफ। लेकिन सोचो
पानी ऊपर क्यों नहीं गया, भेपर ही क्यों ऊपर गया? क्योंकि भेपर जो ऊपर जा रहा है राइजिंग कैपेसिटी, उसमें ग्रेविटी में उतना ज्यादा उसमें क्षमता नहीं है कि उस भेपर को खींच पाए, वो किसी सॉलिड चीज को खींच सकता है। अगर आप पानी में से उछालोगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, अगर आप और भी चीज करते तो गिर जाएगा। तो सर देखो क्या कमाल का चीज है कि भेपर के फॉर्म में ऊपर चला गया, ऊपर जाकर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और जब बरसा तो लिक्विड हो गया, और तब तक वो ऊपर है जब तक कि ग्रेविटी उसको क्या है खींच नहीं रही है। उतने सालों से ग्रेविटी नहीं खींच रही उसको, इतना ज्यादा पेपर नहीं खींच रही है, और तब खींच रही है ग्रेविटी जब उसकी कैपेसिटी कम हो गई है। तो कमाल का प्रोसेस है, हम लोग तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन क्या आप समझ रहे हो, साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें क्या पता कि ये प्रोसेस जिसने बनाया है वो कैसे बनाया है, ये तो नेचुरली हो रहा है ना, हम और आप पता नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं कि ऐसा सिस्टम काम करता है। भाई ये सिस्टम बनाने वाला कितना बड़ा मतलब लॉजिक है, क्या कह सकते हैं। बहरहाल ले जाइए 181 के बाद, उसमें आपको वही चीज, हाँ हाइग्रोस्कोपिक में प्ले आपको क्लियर होना चाहिए, सपोर्ट जो उसको करेगा, बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइएगा। अच्छा एक वर्ड है उसमें एरोसोल, एक बार बनाएगा राइट साइड में देखना, मैंने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े होंगे कोई लोग तो मिला भी होगा। एरोसोल का मीनिंग होता है कि वेरी सॉलिड पार्टिकल्स या फाइन पार्टिकल्स कह सकते हो, मतलब ऐसा हो जो काफी जो पार्टिकल्स हो जो वो काफी फाइन, काफी छोटा हो, महीन हो, उसको बोलते हैं एरोसोल। बार बार आता है जिक्र, ये एरोसोल क्या होता है आप ऐसे समझो, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, साबुन होता है और साबुन से जो झाग निकलता है तो आप उसमें देखो छोटे छोटे सर्फ के दाने हल्के हल्के रहेंगे, ठीक है, मतलब एक झाग है उसमें हल्का हल्का दाग रहेगा, मतलब उसी को उसी टाइप का है, ये कण है, ड्रॉप हो गए और इस ड्रॉप में थोड़े थोड़े कण रहेंगे जो मतलब एटमोस्फेयर में अवेलेबल है, तो उसी को एरोसोल बोलते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स, बहुत महीन, जो सर क्या काम करते हैं एरोसोल, क्या काम करेंगे सपोर्ट का काम करेंगे, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट 182 में आपको सुपर सैचुरेटेड की बात की गई है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, क्या दिख पा रहे हैं आप, सिल्वर आयोडाइड वाला चाइना वाला मैंने आपको बता दिया हुआ है, बस सुनते जाएगा तो इजी हो जाएगा। उसके बाद नीचे जब आएंगे अर्थ पे, बिकॉज वहां डेली रेनफॉल होता है, जस्ट उसके नीचे आइए, मैंने आपको ग्लास का भी एग्जांपल दिया था कि पानी अगर बर्फ डालते हैं ग्लास में तो फिर टेम्परेचर के कारण कैसे बारिश हो जाती है, तो सर अगर आप चाहें तो ग्लास में भी बारिश करवा सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, मैंने बोला था कि आंधी तेज जब ज्यादा होता है तो वही एक सपोर्ट का काम कर देता है जब स्नोफॉल होता है, तब क्योंकि वो नीचे गिरना चाहता है, मतलब उसकी कैपेसिटी है कि जस्ट थोड़ा सा आया अभी ऊपर रहना चाहता है, ड्रॉप चाहे तो ऊपर है, ग्रेविटी खींच रहा है, ये ऊपर नीचे होता है, इसलिए हर स्नोफॉल से पहले आंधी तेज आपको काफी मिल जाएगी। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, धीरे धीरे आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा धीरे धीरे आज नींद आई, थोड़ा धीरे 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 आप ठीक ठाक होंगे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, उसके बाद अब आएंगे नेक्स्ट, तो इन विंटर सीजन अब ध्यान से, इसलिए बारिश नहीं होती है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो चीज ऊपर मिलता है उसको ठंडापन, वो ठंडापन नीचे ही मिल जाता है, तो फॉग जो है कुहासा वो भी एक बादल का फॉर्म हो गया और उस जो है वो बारिश हो गई, बात कर रहा हूं। आगे ये नेक्स्ट, उसके बाद फॉग इज द लोअर स्टेटस क्लाउड, बताने की जरूरत नहीं है, लोअर स्टेटस अब यहां लिखा हूं लेकिन क्लाउड आगे समझा है, तो मैं जब इसको समझा रहा था तब आपको बोल रहा था कि फॉग का बनना नीचे बना है लोअर स्टेटस में, तो मैंने सिंपल इस समय अगर बताता आपको तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब क्लाउड का फॉर्मेशन बताया गया तो अब आप वापस रिपीट करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो लोअर स्टेटस का मीनिंग पता है ना, लोअर स्टेटस पता है ना, ठीक है, तो हाई का क्या था, हाई क्लाउड का क्या नाम था, सीरस, मिडिल का ऑल्टो, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, मैंने उसके अंदर आपको उसी पेज पे बोला था क्लाउड फॉग स्मोग ये सब बोला था आपको, तो क्लाउड फॉग स्मोग वॉग ये सब सारा चीज बोला था, ठीक है। तो मैंने बोला था कि सर जो वॉग है VOC ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्केनो से जो वाटर वेपर निकलता है उसके कारण जो बारिश हो गई उसको वॉग बोलते हैं, और वोल्केनो तो कितना तेज निकला है सडनली, अच्छा कभी कभी बारिश सडनली होती है, सडनली कैसे हो गई, अचानक से टेम्परेचर गर्म हुआ अचानक से बारिश हो गई, कभी कभी देखा होगा कि धूप है फिर भी बारिश हो रही है, आप देखेंगे कभी कभी कि धूप है बारिश हो रही है, और गांव के लोग कहते हैं सीआर के साथ ही होता है, गांव के लोग का अलग अलग लॉजिक है, उनका अपना अलग अलग मतलब पता नहीं कहां कहां से लाते हैं भगवान का सीआर, मतलब ऐसा आप सुने ना, गलत नहीं बोल रहे, मैंने तो सुना है, मैं गांव से काफी प्रभावित हूँ, तो एकदम जैसी बारिश में सुबह सीधा बोलेगा सीआर का वही सिचुएशन में शादी हो रहा है कोई, और यही गाँव वाले को ही पता है, शहर वाले को पता ही नहीं है, ठीक है जो भी है। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट चाहिए कंडीशन फॉर फॉग फॉर्मेशन, तो फॉग फॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, वेपर चाहिए आपको, वेपर बनना चाहिए, उसके सबसे इंपॉर्टेंट है आरएच कितना होना चाहिए 100%, और उसके बाद 100% के अलावा ड्यू पॉइंट अचीव जब तक नहीं होगा तब तक वो पॉसिबल होगा भी नहीं, तो ड्यू पॉइंट जरूरी है, आरएच 100% अचीव होना चाहिए, टेम्परेचर उसको मिलेगा तभी ड्यू पॉइंट अचीव होगा, सीधी सी बात है, तो ये सारे फैक्टर जरूरी है जो आपको, हाँ
बिल्कुल चाहिए। और आप देखो वहाँ पे दो तीन चीज फैक्टर काम करेगा। आप देखोगे जब भी बारिश में अगर जब भी हल्की धूप में बारिश होगी उस समय आपको बहुत गर्मी महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको पता है गर्मी कब महसूस होगा, जब वो बारिश हो जाएगी ना उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी, कभी फील करके देखना। तो लॉजिक क्या होता है कि जब तक बारिश वगैरह रहता हो इमीडिएट वेपर बनता है। इमीडिएट वेपर क्या बनता है कि सर सनलाइट अभी आ रहा था, अचानक से काफी गर्म किया और गर्म करने के कारण साइमल्टेनियसली क्या हुआ, एकदम से थोड़ा सा राइज कर लिया। देखो राइज कब करेगा, मैंने बोला था लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बोला था, लॉन्ग वेव के कारण कि शॉर्ट वेव के कारण, लॉन्ग वेव तो लॉन्ग वेव ही अर्थ को धीरे 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 ठंडा करेगा और वो प्रोसेस धीरे है कि फास्ट है, धीरे है। लेकिन अचानक से इतने तेज हो कि प्रोसेस फास्ट होकर ऊपर चला गया, अब इमीडिएट ऊपर चला गया तो फिर क्या कंडीशन है, बैलेंस करना है ना। अरे अर्थ के टेम्परेचर को नेचर का काम है कि वो बैलेंस रखे, ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म, वो बैलेंस करेगा ही करेगा। और इसलिए वो इमीडिएट सिचुएशन में इतना गर्म होता है कि लॉन्ग वेव जो शाम में ठंडा पर होना चाहिए था वो इमीडिएट राइज कर जाता है, और इमीडिएट राइज कर जाने के कारण जब ऊपर गया इमीडिएट बारिश हो गई। और वो बारिश उतना तेज नहीं होता है, वो आप देखोगे तो बारिश उतना तेज नहीं होता, हल उस बारिश में क्रिकेट भी चल रहा है, उस बारिश में बोझा भी पिटा रहा है, सब चल रहा है, मतलब जो काम है सब चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका उतना है ही नहीं उसमें कैपेसिटी की उतनी बारिश करवा सकते हो, ठीक है ना। तो इंस्टेंट बर्स्ट होता है। जनरली ठंड के दिनों में बनेगा, लेकिन अगर ऐसा हाँ मैंने बोला सिचुएशन जरूर में ऐसा कभी कहने से बचिएगा कि फॉग गर्मी में नहीं बन सकता है, वो डिपेंड करता है। कभी कभी तो गर्मी के सिचुएशन ऐसे होते हैं कि सर पूरा काला काला और दिन में रात वाला सिचुएशन हो जाता है। आप ऐसा महसूस भी किए होंगे पूरा दिन में सब खिड़की बंद किए हुए रात ही रात हो चुका है पूरा, और उस सिचुएशन में आपको ना कभी कंबल ओढ़ने पे या चादर ओढ़ने पे मजबूर हो जाएंगे आप। और जबकि वो बहुत गर्मी वाला सीजन चल रहा है, वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता लेकिन एक या दो दिन के लिए होता है, तो उस सिचुएशन में ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम। मतलब अगर 100 में हम उसको दें तो 0.111% के क्योंकि सर ठंड का टेम्परेचर और गर्मी का बहुत डिफरेंस है। ठंड में आप कितने पे 5°C 6°, 7°, 10°, गर्मी में मिनिमम भी रहोगे तो आप उधर 20 से प्लस ही रहोगे, 34, 35, 40 तक आप लेके जाओगे, तो थोड़ा सा सिचुएशन कम रहेगा। तो जनरली ठंड में बोलना वहीं पे ठंड में ही फॉग बनेगा, और फॉग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोल्केनो वाला। और फॉग के अंदर मैंने अलग अलग टाइप बताया था, मिस्ट बताया था, हेज बताया था, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया में जो होते हैं कण पार्टिकल्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है पॉल्यूटेंट्स, और जितना ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होगा उतना ही उसको रोकता है, इसलिए वहाँ पे धुंध जो होता है काफी गहरा होता है, वो आपको नदी दिखेगा नहीं, और वो लंबा भी जाता है। जैसे जो फॉग नॉर्मल नेचुरली क्रिएट हुआ है वो कम देर तक रहेगा, लेकिन जो सर इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे फरीदाबाद अगर मैंने बोला, चाहे बिहार के भी कोई ऐसा रीजन जहाँ पे ज्यादातर फैक्ट्रियों की है, वैसे बिहार में फैक्ट्री कमी है, लेकिन कुछ एरिया में जहाँ छोटे छोटे वर्कशॉप भी हैं उस एरिया में आपको धूप ज्यादा मिलेगी, बट जनरली ठंड होगा। अब नेक्स्ट आइएगा बिहार, हाँ नोएडा जाइए, धूमधाम से जाइए नोएडा जाइए, आप फरीदाबाद चले जाइए, उधर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सारे हैं, जहाँ हरियाणा में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, आप चले जाइए पागल हो जाएंगे आप देख कर। और ठंड में तो मैं तो प्रैक्टिकली देखा हूँ कि मैच खेलने जाता था तब देखा हूँ, सुबह सुबह जाते थे तो इधर साफ है और जहाँ गए खेलने वहाँ पे बस वैसा ही वैसे, क्योंकि सब इंडस्ट्रियल एरिया और कॉर्पोरेट एरिया में तो बड़े बड़े लोग भी हैं, छोटे छोटे लोग भी, तो बड़े बड़े लोग क्रिकेट खेलते तो इंतजार करते थे कि कब धूम खत्म होगा। बहरहाल उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाउड का, टाइप्स ऑफ क्लाउड पेज नंबर 185। आप लोगों को मैंने टेम्परेचर इन्वर्जन बता दिया था, एडियाबेटिक भी बताया था, और टेम्परेचर इन्वर्जन का मैंने क्या बताया था कि ELR या NLR का मतलब क्या होता है कि जब ऊपर हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए जिससे कि ये प्रोसेस उल्टा हो जाए और उसको बोलते हैं क्या, क्या टेम्परेचर इन्वर्जन। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 186 पे, जिसमें टाइप्स ऑफ क्लाउड है, तीन टाइप्स के क्लाउड मैंने बोला था,
जीरो से दो वाले में जाओगे तो क्या लोअर, लोअर को क्या बोलेंगे? लोअर का मीनिंग है पहले तो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस का दो मीनिंग है, एक होता है लेयर, एक होता है लोअर। तो जब लोग बात करेंगे तो स्ट्रेटस बोलेंगे, जब बीच में बात करेंगे तो ऑल्टो बोलेंगे, और सबसे ऊपर क्या सीरियस बोलेंगे। ये तीन पार्ट दिमाग में रखिएगा। लोअर क्लाउड में स्ट्रेटस वर्ड जब भी जिक्र करेंगे तो याद रखिएगा जितना भी चीज होगा मैक्सिमम चीज वो लोअर में हो जाएगा। स्ट्रेटस में भी बारिश की संभावनाएं हैं लेकिन सीरियस में बारिश की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर है और उतना दूर तक ऊपर पहुंचना वेपर के लिए भी उतना पॉसिबिलिटीज नहीं रहता है, इसलिए जनरली हम लोग लोअर तक ही सीमित रहेंगे। मैंने बोला था एक वर्ड निम्बस, तो निम्बस भी लोअर के लिए इस्तेमाल होगा या अपर के लिए? लोअर के लिए, लोअर के लिए। तो जब हम बोल रहे हैं निम्बो स्ट्रेटस, मतलब जो बादल बनेगा वो पूरा लेयर में बनेगा। जब तक हम सिर्फ स्ट्रेटस बोल रहे हैं तब तक उसका मीनिंग है लोअर क्लाउड, लेकिन अगर वो किसी चीज के साथ जुड़ गया जैसे ऑल्टो स्ट्रेटस, इसका मीनिंग अब क्या हो गया? उसका मीनिंग हो गया अब लेयर, यानी कि जो बादल बनेगा वो लेयर बाय लेयर बनेगा। लेकिन हम सिर्फ अगर बोल रहे हैं स्ट्रेटस, फिर से सुनिएगा, स्ट्रेटस बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? लोअर। लेकिन जब वो किसी चीज के साथ जुड़ गया, चाहे ऑल्टो स्ट्रेटस चाहे निम्बो स्ट्रेटस, तो उसका मीनिंग अब चेंज हो गया, अब वो एक लेयर की तरह काम करेगा। क्या क्लियर है? तो थोड़ा दिमाग रखिएगा। अब मैंने एक वर्ड बोला था क्यूमुलोनिम्बस, बोला था ना, तो क्यूमुलोनिम्बस किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? लोअर क्लाउड के लिए या मिडिल क्लाउड के लिए? लोअर क्लाउड के लिए, मिडिल के लिए? जनरली लोअर क्लाउड के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो भी तहलका मचना है लोअर के तहलका ही मचेगा। लेकिन बोला था आपको ये लोअर जो क्यूमुलोनिम्बस है ये काफी घना होगा, काफी गहरा और काफी अंधेरा छाएगा और बारिश काफी तेज होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, बिल्कुल बहुत थोड़ी देर के लिए, जैसे आज हुई है। और आज जो बारिश, आप देखो सुबह सुबह सब ठीक था, सुबह सुबह ठीक ठाक मौसम था, एकदम से हुआ नहीं है कि बहुत अंधेरा था, सुबह सुबह धूप का नींद लग रहा था, और ज्यादा देर हुआ भी नहीं है, 15-20 मिनट में सारा मामला निपट गया। जिस समय मैं मैसेज किया हूँ मुझे ऑलरेडी पहले से पता भी था कि आराम से वो रुक जाएगा, क्योंकि वो आपको बताया, मैंने बोला था कि एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आप बादल देखकर और समय देखकर आइडिया लगा लोगे कि कितनी तेज बारिश होगी कितनी तेज नहीं। ये जब हाथी बारिश होगा सितंबर में तो उस समय क्या है आपको दिक्कत होगा, हथिया बारिश समझ रहे ना, धीरे धीरे होगा लेकिन लंबा होगा। आइए नेक्स्ट, उसके बाद टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल में तीन आपको बताया ही था, कन्वेक्शनल, फ्रंटल, और उसके बाद एक और क्या था, ओरोग्राफिक। बस तीन हो गया, बात खत्म। तीन चीज आपको दिमाग में रखे अपना मामला निपटा देंगे। नीचे आइए, ओरोग्राफिक और फ्रंटल। फ्रंटल में क्या बोला था, वार्म एंड कोल्ड एयर जो 60 डिग्री पे क्लोजर आते हैं उसके कारण जो बन रहा है वो होता है। और मैंने बोला था फ्रंट मतलब क्या होता है, वार्म और कोल्ड का बनना। फ्रंट जब भी बनेगा तब बारिश होगी, और फ्रंट बनने के कंडीशन है कि सर एक वार्म होना चाहिए एक कोल्ड होना चाहिए। मैंने बोला था इक्वेटर पे क्या फ्रंट बन सकता है, क्या नहीं बन सकता? तो इक्वेटर पे फ्रंट बनेगा ही नहीं, तो ये थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। तो इक्वेटर पर फ्रंटल रेनफॉल की पॉसिबिलिटीज काफी कम है क्योंकि वहां फ्रंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पे। एडियाबेटिक में आपको ऑलरेडी बता दिया था, डायबेटिक बताया था कि किसी चीज को हीट करना है तो उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, उसको डायबेटिक बोलते हैं। एडियाबेटिक का सिंपल क्या मीनिंग है कि बॉस जब हम किसी चीज को हीट या कूल कर देते हैं प्रेशर के थ्रू, या तो कंप्रेस करके या एक्सपैंड करके। तो आप मुझे बताइए, सोच समझ के बताना, रटना मत, क्योंकि रटोगे तो मजा नहीं आएगा। पिस्टन वाला एग्जांपल सोच लो, अगर किसी चीज को कंप्रेस करेंगे दबाएंगे तो क्या हो, हीट होगा या कूल होगा? हीट होगा। और जब एक्सपैंड करेंगे तो बस यहाँ तक बात खत्म है, इसी को बोल रहे हैं एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना, क्योंकि सर ये एडियाबेटिक प्रोसेस का इस्तेमाल अभी वर्ल्ड क्लाइमेट में भी बहुत आएगा, तो थोड़ा इतना प्रोसेस दिमाग में रखना। उसके बाद बोला था कि एडियाबेटिक में 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर कुछ बोला था मैंने, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो कितना था, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। पर किलोमीटर मीटर, पर किलोमीटर पक्का याद है ना? यस सर, ठीक है। तो सर पूरा पूरा की बात कर रहे हैं हम तब, लेकिन जब हम एडियाबेटिक की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर याद। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्रंटोजेनेसिस। यही तक आया हम लोग, फ्रंटोजेनेसिस, उसके बाद साइक्लोन था, एंटी साइक्लोन एंड जेट स्ट्रीम, ये तीन चीज था। बस एक मिनट जरा देखिए, एक छोटी चीज, Thank you.
बंद कर देगा। पेज नंबर कितना था? 192 ना? 192। तो फ्रंटोजेनेसिस, साइक्लोन्स, एंटीसाइक्लोन्स एंड जेट स्ट्रीम। तो फ्रंटोजेनेसिस पे आते हैं, और फ्रंटोजेनेसिस वही मैंने बोला कि फ्रंट कब बनेगा, जब वार्म और कोल्ड रहेगा तब, या सिर्फ वार्म रहेगा तब, वहां मेरे को दोनों रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जब फ्रंट बनता है उसके कारण दो चीज। उसके पहले मैंने आपको एयर मास बताया था, एयर मास का क्या मीनिंग था, ओपन और लार्ज एरिया। अरे बोला था ना, पक्का है ना, तो बोलो एयर मास का एग्जैक्ट मीनिंग कौन बताएगा, हाथ खड़े करो। बताया तो सभी को था, सभी को हाथ खड़े करने चाहिए था, कुछ लोग हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं बताइए। सर एयर मास का ओपन एरिया होना चाहिए, ठीक है, पूरा जो हवा होना चाहिए वो लॉन्ग होना चाहिए, जैसे एग्जांपल में गांधी मैदान, वहाँ पे कोई भी उसके रोकने वाला कोई बीच में ना हो, पूरा ओपन स्पेस। तो एयर मास सिंपल है कि मतलब उसमें डिस्टरबेंस काफी कम हो लार्ज एरिया पे। अब जैसे विंड बढ़ा ईस्टर्ली, पूरा समुद्र खुला मिला, समुद्र खुला मिला, पूरा मजे में वो एकदम एक जैसा चल रहा है। और एयर मास में जनरली मैंने बोला था कि एक टाइप का टेम्परेचर या एक टाइप का ह्यूमिडिटी मेंटेन करता हो पूरा एरिया, तब जाकर उसको एयर मास बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बोला था आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बोले थे, सीपी वगैरह याद है, जिसमें मैंने बोला था कोडिंग के लिए ये थोड़ा याद रखना कि सोर्स क्या क्या है। तो सोर्स में सबसे पहला है, फर्स्ट है ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल, पोलर, ओशन और वाटर। इसमें सभी का सोर्स के लिए कुछ कुछ चीजें दी गई है। जैसे ट्रॉपिकल में क्या दिया गया है कि सर ट्रॉपिकल के लिए टी इस्तेमाल करेंगे, अरे है ना, पोलर के लिए क्या पी, और नीचे में अरे पेज नंबर 194 पे 194 बोला था आपको सीपी एमपी एमटी क्या दिख रहा है, ठीक है। अब जस्ट उसके थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, थोड़ा सा तो सबसे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे 195 पे, वो भी आएगा दोबारा आएगा 195 पे आइए। तो 195 मैंने बोला कि हम लोग रेनफॉल करा सकते हैं विदाउट इंसुलेशन, और वो एडियाबेटिक का प्रोसेस को ही कंटिन्यू किया गया। नीचे कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास उसकी बात की गई है। फ्रंट के बारे में मैंने बोला था, इधर नाम हम बोल रहे हैं वार्म फ्रंट, इसका मतलब कौन किसको धकेल के ऊपर ले गया होगा, वार्म ने कोल्ड को धकेला होगा, और कोल्ड फ्रंट बोले तो कोल्ड ने किसको धकेला होगा, वार्म को। अब आप मुझे खुद वही मैंने बोला था, इधर मैंने बोला था कि दोनों में, इधर बस महसूस करना, कुछ रटना मत, दोनों में किसका चांस ज्यादा है कि बारिश ज्यादा होगा, कोल्ड फ्रंट का या वार्म फ्रंट का। फिर से क्वेश्चन बोल देता हूं, क्लियर है आपको। मैंने बोला था कि कोल्ड फ्रंट जब होगा तो कोल्ड फ्रंट नाम बोले हैं, और मैंने बोला था विंड का नाम तभी लेते हैं जहां से शुरू होता है। तो कोल्ड फ्रंट ने वार्म फ्रंट को धक्का दिया, इसको बोल रहे हैं कोल्ड फ्रंट। वार्म फ्रंट का मतलब है वार्म एयर ने कोल्ड एयर को धक्का दिया। दोनों सिचुएशन क्लियर है, इन दोनों में कौन से सिचुएशन में बारिश ज्यादा होगी, कोल्ड फ्रंट में या वार्म फ्रंट में, बोल गए आप लोग क्या? मैंने बोला था कोल्ड फ्रंट बोल रहे हो, ठीक ही बोल रहे हो। ठीक है, देखो ठंडा एयर का नेचर क्या है, वो नीचे रहना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा हम ऊपर जाएं, उसको बस सोए रहना है, उसको पढ़ना नहीं है। तो सर ठंडा एयर का मतलब नेचुरल चीज है कि वो नीचे रहना चाहता है, क्योंकि ठंडा एयर थोड़ी ना ऊपर राइज करेगा, ऊपर राइज कौन करेगा, हॉट एयर, हॉट एयर ही सबसे ज्यादा राइज करेगा। अब कोल्ड ने वार्म को धक्का दिया, वार्म तो अपना जाना चाहता ही था ऊपर, और जोर से धक्का दिया, जब ऊपर गया तो बारिश की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि हेवी रेनफॉल सिचुएशन, इसीलिए कोल्ड फ्रंट में बनेगा। वार्म फ्रंट में बारिश तो होगी लेकिन काफी कम होने के चांसेस हैं, इसलिए कोल्ड फ्रंट का हेवी रेनफॉल होना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो उसका डिफरेंस भी लिखा हुआ है, आपको याद होगा। तो जब हेवी रेनफॉल होगा तो कौन सा क्लाउड बनेगा, एक तो बात है कि क्यूमुलो तो होगा ही होगा, आया ना, तो क्यूमुलो स्ट्रेटस इसमें बन जाएगा, ये थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब क्यूमुलो स्ट्रेटस होगा तो सर इधर की तरफ आइए, यानी कि किसमें, वार्म फ्रंट में, तो वार्म फ्रंट में कौन सा क्लाउड बनेगा, निम्बो स्ट्रेटस, और इसमें बारिश उतनी तेज आपको नहीं होगी। क्यूमुलो वर्ड जब भी जुड़े, क्यूमुलो का मीनिंग जब भी जुड़े और उसके साथ, तो ध्यान रखिएगा ऊल शेप का पूरा होता है, वो एकदम घनघोर बारिश होने की संभावना है, हमेशा ज्यादा होगी।
अब कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट प्लीज याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फ्रंट बनने की सिचुएशन को फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं, आपको बताया जा चुका है। फ्रंटोलाइसिस बोला था आपको, फ्रंटोलाइसिस क्या होता है ये तो समझाया था मैं गला फार के। बोला था कि एक समय ऐसा आएगा जो वार्म एयर राइज कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरा वार्म एयर राइज कर जाएगा और सिर्फ ठंडा ही बच जाएगा। तो जिस समय सिर्फ ठंडा एयर ही सिर्फ बच गया हो उसको बोलते हैं फ्रंटोलाइसिस। देखो ये प्रोसेस कभी होगा नहीं, लेकिन एक फिर भी इमेजिनेशन तो कर ही सकते हैं कि भैया एक समय तो ऐसा आएगा जिस समय पूरा वार्म एयर राइज कर गया होगा और सिर्फ कोल्ड एयर बचेगा, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, फ्रंटोलाइसिस। तो क्या उस सिचुएशन में बारिश होने की संभावना है क्या, जल्दी बोलो। उस समय बारिश होने की संभावना है, दूसरे तरीके से सोचोगे तो नहीं है। फिर बात समझ आई, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोल्ड एयर ही अब बचा है, और जब कोल्ड एयर बचा है तो कोल्ड एयर की प्रॉपर्टीज क्या, नीचे जाना है ऊपर जाना, नीचे रहना, और जब तक वो नीचे रहेगा तब तक वो आप वाटर वेपर वाला प्रोसेस चलेगा नहीं, फिर वाटर साइकिल मेंटेन नहीं होगा। बट फिर भी आपको याद रखना है फ्रंटोलाइसिस इज अपोजिट टू द क्या, फ्रंटोजेनेसिस। बोल सकते हैं नहीं, हाँ या ना? नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना है। फिर से सुन लो, फ्रंटोजेनेसिस को हम ना तो फ्रंटोलाइसिस के अपोजिट बोल सकते हैं, ना तो फ्रंटोलाइसिस को हम फ्रंटोजेनेसिस के अपोजिट बोल सकते हैं, वाइस वर्सा। सुनो क्यों, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहला रीजन ये कि जब भी हम फ्रंटोजेनेसिस की बात करते हैं, ये एक अलग टर्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वार्म और कोल्ड की बात कर रहे हैं, जहां दोनों होना चाहिए। और फ्रंटोलाइसिस एक अलग इमेजिनेटिव सिचुएशन है जहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ऐसा समय आया होगा या आएगा जिस समय पे पूरा वार्म एयर खत्म हो गया होगा राइज करके, नीचे सिर्फ क्या बचा होगा, कोल्ड एयर। क्या सुन पा रहे हैं? ये एक इमेजिनेशन प्रोसेस है, तो अपोजिट कभी मत करना। क्वेश्चन में पूछेगा कि स्टेटमेंट में पूछता है कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, उसी में पूछेगा। तो याद रखिएगा, फ्रंटोजेनेसिस इज नॉट अपोजिट टू फ्रंटोलाइसिस। फ्रंटोलाइसिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन जो हमारे सोचने पे है, उस विषय पे उसको टर्म्स दिया गया। नेक्स्ट, अब आते हैं हम अपने काम पे। यहां से सुन, सब लोग अब जग जाइएगा, मैंने पूरा ह्यूमिडिटी आपको पढ़ा दिया है। ह्यूमिडिटी से पहले उतना, आप जो लोग आज भी नहीं है भगवान भला करे उनका। तो कहने का लॉजिक है कि अब हम पूरा जो क्लाइमेटोलॉजी था, एक बार अगर हम पूरा का पूरा पेज अगर पलटे, मैंने क्लाइमेटोलॉजी से ही आपको पीडीएफ भेजा था ना, जो पीडीएफ भेजा था उसमें क्लाइमेटोलॉजी से था कि ह्यूमिडिटी से शुरू था, विंड से शुरू था, पक्का? तो विंड से शुरू था, तो एक बार विंड से होते हुए अगर पूरा प्रोसेस एक बार पलटा जाए तो दिमाग में क्या क्या आ रहा है खुद इमेजिनेशन करो, रटो मत, टॉपिक देखो और सोचो इमीडिएट कि उसके बारे में कुछ याद आ रहा है कि नहीं। विंड ओपन करो, कौन सा पेज नंबर था, 167। जल्दी से आइएगा तेजी में, फिर हम साइक्लोन पे आएंगे क्योंकि साइक्लोन पे लाने के लिए मुझे सारा चीज फिर चाहिए। बस एक मिनट, जल्दी सब पलटिए। बस एक बार पलटते जाओ कि दिमाग में आ रहा है कि नहीं। लोकल विंड, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज याद रहेगा, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, मैं ही बोलता जाता हूँ, दिमाग में रखना है। उसके बाद लैंड ब्रीज के नाम ले रहे हैं, इसका मतलब हवा कहाँ से आ रहा होगा, लैंड से, यानी कि लैंड पे हाई प्रेशर बना होगा, हाई आना। तो दिन में मैं बोला था आपको गर्मी के दिनों में समुद्र के किनारे जाना ठीक बात नहीं होता है, यही बोला था मैंने, बोला था कि रात में समुद्र के किनारे जाना आपको ठीक नहीं होता है क्योंकि उस समय और उससे दूर हवा जा रहा होता है, उस समय आपको और ज्यादा गर्मी महसूस होगा क्योंकि सी ब्रिज बोल रहे हैं तो हाई प्रेशर उधर ही बनेगा। तो कहने का लॉजिक क्या है, ध्यान समझना, कि लैंड ब्रिज की सिचुएशन में नाइट में और सी ब्रिज के सिचुएशन में डे में कौन सा सही, मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ आप खुद बताओ, सी ब्रिज नाइट में होगा कि डे में होगा, सी ब्रिज हमेशा क्या होगा, डे में, और लैंड ब्रिज हमेशा नाइट में, पक्का? और मैं अगर उसको रिलेट करने के लिए बोलूं कि सी ब्रिज को रिलेट करना हो अगर माउंटेन से या वैली से, तो सी ब्रिज किसके बराबर है, माउंटेन से होगा सर, माउंटेन या वैली, वैली से, वैली डे, पक्का? यस सर, वैली, पक्का? यस सर, देख लो एक बार, सही है सर, ठीक है। तो सी ब्रिज का जो रिलेशन है वो वैली ब्रिज से होगा और लैंड ब्रिज का रिलेशन किससे होगा, माउंटेन ब्रिज से, पक्का? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रोसेस ऐसा भी है, मैंने बताया था कि आपको कहाँ पे गर्मी और कहाँ ठंडी लगती है, उसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोला था मैंने, कि टेम्परेचर इन्वर्जन में वो प्रोसेस होता है, इसीलिए सर कोई टेंट अगर नीचे लगाया हुआ है
तो टाइट हो जाएगा दोनों तरफ से, इसलिए आप किसी एक तरफ जाइए ताकि एक विंड से बच जाए, इसमें ठंड तो सर ये थोड़ा दिमाग में रखना है। अब आइए, एक मैंने केटाबेटिक वगैरह पढ़ाया था, केटाबेटिक एनाबेटिक पढ़ाया था ना, अप स्लोप डाउन स्लोप याद रहेगा आपको, बहुत बढ़िया। उसके बाद विंड में भी मैंने बताया था, वार्म विंड कोल्ड विंड अलग अलग थे और लोकल विंड भी नाम अलग अलग थे। तो आप मुझे बताओ, बिना देखते हैं ऐसे याद आता है, नहीं तरफ देखना, ऐसे ही माना तुक्का लगाना, ठीक है? थोड़ा बहुत देखोगे तो तुक्का लग जाएगा, देखो तुक्का लगाना सही वर्ड है, तुक्का वही लगा सकता है जो थोड़ा पढ़ा हो। तो आप मुझे बताओ, सिरोको विंड कौन सी जगह का था? ऑप्शन दे दूं क्या? सिरोको विंड कौन से कंट्री का स्पेशली है? लोकल विंड। हाँ लोकल विंड है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सी कंट्री का है? क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से खींच देता है, ना चाहे तो भी पूछ ले। साउथ, साउथ अमेरिका। ध्यान से उसको समझिएगा जो हम बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? सिरोको बोल रहे हैं। आपको अधिकतर जो विंड मिलेगा बहते हुए लोकल विंड, वो ज्यादातर अफ्रीकन रीजन में ज्यादा मिलेगा आपको, अफ्रीकन क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा, ठीक है? मैंने सारा डेट बोला था, एक बार आप खाली आपको मैंने बोला था कि एक पेज पे ही पूरा का पूरा लोकल विंड और एक तरफ वार्म लिखने के लिए मैंने बोला था कि एक ही पेज पे दोनों हटा देना, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, तो जब आएंगे श्योर शॉट है ये, तो कितना बड़ा रखना है, 5 या 10 लिस्ट ऑलरेडी मैंने दे दिया है, 5-10 देख लो, काम आसान हो गया। क्या सुन पा रहे? चलिए नेक्स्ट आइए, उसके बाद सिरोको लोकल विंड। अब उसके बाद मैंने खमसीन गिबली हरमटर ये सब बोला था, आज जाकर मैंने जबकि पिछले बार बोला नहीं था आपको, बोला था कि लोकल विंड का एक तरफ वार्म एक तरफ कोल्ड का एक पेज पे हटा के लिख लेना, मैंने बोला था, ठीक है? होमवर्क लिख लो आज, तो फिर ठीक रहे, लिख लो इसको, जरूरी है, छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों छोड़ोगे यार, भूलोगे, लिख लो वार्म एंड कोल्ड विंड। एक काम करो अभी लिख लो ना, ताकि होमवर्क कम्प्लीट हो जाए, हो जाएगा, समेट लोगे अभी, समेट दो जल्दी से, एक तरफ लिखना रफ नहीं लिखो, एक तरफ वार्म एक तरफ कोल्ड, एक बार ऐसे नहीं लिखो तेजी में, मतलब 5 मिनट से भी कम लगना चाहिए, ताकि हम साइक्लोन का आज ध्यान कर दें कि शुरुआत कर दें, शुरुआत हम यही थे, थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं। पहला दिन क्लास होता है तो उसके बाद कुछ लोग पहले सांस भरते हैं पूरा, फिर कहते हैं चलो अच्छा शुरू हो गया है ना सर, एक दो दिन तो पढ़ाएंगे ऐसे भी नहीं, मेनिया है मेनिया। हाँ वही मैंने बोला कि एक तरफ पहले कोल्ड और वार्म लिख लो पूरा रफ पेज पे, सिर्फ कोल्ड विंड और वार्म विंड पहले वो लिख लो, उसके बाद कंट्री वाला बताऊंगा कैसे उसको रिलेट करना है। कोल्ड कम है वार्म ज्यादा है, हाँ सिरोको पूछा था, सिरोको सारा जगह क्यों मेरी टेरेंस थी वो इटली उटली के आसपास, इटली के आसपास यूरोप में थोड़ा सा वहां जाता है, लेकिन सारा जगह में जनरली इसका ज्यादा फ्लो होता है, इसी को ब्लड रेन भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया भी था, खून की बारिश, और खून की बारिश होती नहीं है बल्कि वो सिर्फ रेड सैंड जो होते हैं, लाल जो रेत होते हैं उसके कारण होता है, आपको इसमें ज्यादातर अफ्रीका में मिल जाएंगे लोकल में। ऊपर में जो रूम है ना, ऊपर में रूम बोले हैं लेने के लिए, ठीक है, लेकिन वो शेयरिंग के लिए थोड़ा सा बोल रहे हैं, अब वो बार बार रूम जिद कर भी कर रहे हैं, इसीलिए तो इसमें हमें कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसी में मैं एक काम करता हूँ, नीचे ना जो है वो जो मैट आता है नीचे एक मैट उसको बिछवा देता हूँ, एक थोड़ा उससे इजी रहेगा, इक्वल नहीं है तो पढ़ा भी जाता है, हाँ तो क्या करेंगे उसको, मान लो अगर उससे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा फीडबैक करते हैं,
और उसमें डाल के कर लिए थे, चेंज थोड़ा सा कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी खुद बुरा, मतलब मुझे भी खुद अच्छा नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, थोड़ा सा कुछ सिचुएशन कर लेते हैं। करवाया गया था बीच में, करवाया गया था, लेकिन ये सरफेस नीचे का मेन बात है ना, वैसा ही हाँ, तो वो थोड़ा सा टूट जाता है। और हल्का फुल्का करवाया गया था आपको, मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कुछ नहीं करवाया है, जो भी करवाया मैंने ही करवाया है। ये आपको मैं बताया ना, एक बार आपको मैं आज दिखाऊंगा, आज लाइव मैं जो फर्स्ट क्लास इसमें किया था उस समय क्लास का सिचुएशन देखना, आज मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो थोड़ी देर बाद, इसको लिख लो एक बार बताते हैं, आप देख के क्या हुआ ना कि सर लोग कैसे, लेकिन वही था कि हाँ कंटेंट और नियत बस खाली सही था भगवान की कृपा से, इसीलिए उसके बाद हो गए, तो उसमें कोई जल्दी नहीं मिलता। चलिए अब आइएगा सीधा पेज नंबर 197। क्या बात, दिक्कत है, पानी चाहिए, पानी 187। जहाँ ज्यादा गर्मी होगा वहाँ ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा होगा। चलो मैं हालांकि इस तरीके से डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इस तरह से कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगा उसके बाद एक वर्ड और जानना है सेंटेंस, इवापोरेशन जब ज्यादा होगा तब उसके बाद ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी, मैंने उसमें एक स्टेप आगे गया। अब हमें बोले ना कि गर्मी ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि गर्मी जब ज्यादा होगी तो बारिश होगी ही होगी, ये सिचुएशन बैठ रहा है जो कि गलत है। तो आप उसमें ये जो बोल सकते हो कि गर्मी के बाद इवापोरेशन अगर ज्यादा हुआ तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा होगा। सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो होता है उसका खाली क्यों रहता है, पहले ही से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है उसके बराबर क्यों नहीं होता। आप समझो ध्यान से, आप टेम्परेचर का डिफरेंस सोचो, अभी जैसे दिन में क्या होता है इवापोरेशन शाम में होगा कि दिन में होगा, दिन में होगा, और इवापोरेशन अगर दिन में होगा और सोचो दिन में अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे वो आ गया, नमी सोचो जो उसकी हीट है उस पर आ गया, तो दिन के टेम्परेचर में और शाम के टेम्परेचर में आपको जनरली कॉमन सेंस होता है, जनरली बारिश दिन में मिलेगी या रात में मिलेगी, जनरली मैं बोल रहा हूँ, बारिश तो दोनों समय होती है, लेकिन आम तौर पे बारिश आपको आपको दिन में ज्यादा मिलेगी या रात में मिलेगी, वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे अभी की जो बारिश होगी वो ज्यादातर आपको दिन में मिलेगी, जैसे आप अभी मई जून तक जाएंगे तो दिन में अभी ज्यादा मिलेगी, लेकिन जैसे आप अगस्त सितंबर या अक्टूबर और सिचुएशन में जाते हैं तो बारिश आपको ज्यादा रात में मिलेगी और दिन में कम मिलेगी, हाँ और दिन में क्या है कम मिलेगी। तो कहने का लॉजिक ये है कि जब जब आप सोचो कि हीटिंग कैपेसिटी जब जाता है ऊपर तो उस समय उसकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी ऊपर जाने के बाद जब वो एटमॉस्फेयर में मिलता है और फिर नैनो पार्टिकल्स और डिफरेंट पार्टिकल्स मिलते हैं तब उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। यही समझ सोचना कि यहाँ से खाली कैसे चला गया, वापस फिगर बताया था कि खाली है 28% रिलेटिव नहीं, खाली नहीं बोला था, खाली नहीं बोला, दो उसमें डायग्राम होगा, खोलो मैं बताता हूँ, दो डायग्राम होगा। अच्छा आप उसको अलग समझ दिए, मैं बता देता हूँ, दो डायग्राम होगा, डायग्राम ओपन करिए बताता हूँ, कुछ लोग बस उसको क्लियर कट रख रहे, मैंने उस पर टेम्परेचर कुछ लिखा होगा, जैसे एक था 86 डिग्री फारेनहाइट कुछ वैसा ही था, एक नॉर्मल चूंकि एक इमेजिनेशन किया वैसी सिचुएशन तो हम एकदम तो उस पर तो नहीं चलेंगे, और उसके अंदर एक था मान लो छोटा सा वाटर पेपर यही मान रहे थे हम, ऐसा ही कुछ था, और यहाँ पे RH कितना मान रहे थे 28% समथिंग होगा। अब धीरे धीरे टेम्परेचर अब दूसरा सिचुएशन आया, तो इस दूसरे सिचुएशन में आप मुझे बताना टेम्परेचर कितना है, 58 डिग्री फारेनहाइट, 68, और इसमें ये जो बाहर वाला है और ये आप थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है ना, यानी कि इसकी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बाहर वाली थी या अंदर वाली थी, बाहर वाली थी ना, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है अब घट रहा है, यानी कि ये घट रहा है, बस ये समझाने के लिए डायग्राम बनाया था मैं, इसका कोई फिजिकल जो से लेना नहीं, आपको समझ में आ जाए बस इससे, मतलब ऐसा मैं बोला था कि एक बोरा है और इस बोरे में एक आम अभी फंसा हुआ है, अब धीरे धीरे क्या हुआ इस बोरे में दो आम आ गया या 2 kg आम आ गया, तो अभी बोरा थोड़ा सा बोरा पे स्ट्रेस बढ़ गया है कि बोरा अब इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने वाली है, फट सकता है। तीसरा सिचुएशन क्या था,
टेम्परेचर कितना था जल्दी बोलो? 50 डिग्री था। 50 डिग्री था, यही था ना? यस सर। ठीक है, और इसके इस सिचुएशन में मैं सिर्फ वाटर पेपर लिखा हूँ? यस सर। और यहाँ आर एच पीछे 100% लिखा हूँ? यस सर। ये लिखा हो ना? Yes. यहाँ पे आर एच कितना होगा? 58 या समथिंग होगा? 52%। तो लॉजिकली बस मुझे आपको समझाना था कि टेम्परेचर घटेगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। हाँ, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है? घटेगा। और आर एच कितना होगा? 100%। यानी कि आर एच बढ़ेगा। Yes. तो हम ओवरऑल सिर्फ इसको समझाने के लिए बोले थे एक ही कंडीशन है, टेम्परेचर डाउन, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डाउन, आर एच इंक्रीज करेगा। और आर एच जब तक 100% नहीं होगा तब तक बारिश नहीं होगी। बस इसी चीज को याद रखिएगा। तो आप जैसे इसमें देख रहे हो ना कि खाली हो गया, खाली मत सोचना, खाली सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। कुछ रहता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जितना है उतना वाटर ड्रॉप क्यों नहीं ले रहता उसका? वाटर वेपर उतना ही ले लेना चाहिए, तो वहीं पर फूल हो जाएगा तो बारिश हो जाएगा। आप सोच के देखो, टेम्परेचर जब तक अचीव नहीं होगा तब तक कैसे होगा? उसको टेम्परेचर के लिए ऊपर तो जाना पड़ेगा, और शुरुआत में वो भारी हो गया तो फिर ऊपर कैसे जाएगा? और शुरुआत में जो चीज भारी होगा ग्रेविटी तो और अच्छे से खींच लेगी उसको। तो सर क्या सिचुएशन, मैंने इसलिए तो शुरुआत में बोला क्या सिचुएशन है कि वेपर ही ऊपर जाएगा जिस पर ग्रेविटी का कोई कंट्रोल नहीं है, मैं वही आपको बताया। और ऊपर जाने के बाद वो भारी हो रहा है तब ग्रेविटी अपना रोल प्ले करने लग जा रही है। समझ रहे हो कितना मतलब जबरदस्त इनसेन सिचुएशन है? तो याद रखिएगा सिंपल कि वेपर के फॉर्म में ही हमेशा ऊपर जाएगा। अगर शुरुआत में ही वो भारी हो जाएगा तो आप बोले शुरुआत में भारी हो जाएगा तो शुरुआत में टेम्परेचर भी अचीव हो जाएगा। तो अगर शुरुआत में ही आर एच 100% हो गया तो बारिश वही हो जाएगा। इसका मतलब कब होगा? जब ठंड का सिचुएशन होगा तभी होगा। बस चलिए देख उसको लिख लिए होंगे तो पेज नंबर आइए 197। साइक्लोन का शुरुआत कर देते हैं, बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी साइक्लोन है। और इस बार आपको पढ़ाऊंगा अभी तो आपको मैंने एक बार जिक्र किया था, पता नहीं शायद आप लोगों को किया था, एल नीनो बोला था एक बार और एक ला नीना बोला था कभी? बोला होगा, मे भी हो सकता है आपको ध्यान में कहीं होगा या नहीं होगा। एल नीनो और ला नीना, ये दो वर्ड है। हाँ, ला नीना है, ला नीनो नहीं है, ला नीना। एल नीनो ला नीना, देखो एल नीनो का मीनिंग होता है बॉय, लिटिल बॉय, छोटा बॉय, ये आया है जहां से। और यही तो समझ लो इंडियन ज्योग्राफी में बताते हैं, लेकिन आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि न्यूज पेपर में अभी खूब मिलेगा आपको। क्या मैं बता दूं? यस सर। अलर्ट हो, जोर से बोला ना, सुनो, क्योंकि आए हो तो सीख के जाएंगे ना फिर। यस सर। एल नीनो और ला नीना, मोटा मोटा भी मीनिंग समझना, ये कैसे बनता है अपन तो बहुत सारा डिटेल है इसमें, मोटा मोटा मीनिंग समझ लेना। तो एल नीनो का मीनिंग है द लिटिल बॉय से, तो बॉय वाला वो आपको याद रखना नहीं है। ला नीना का मीनिंग द लिटिल गर्ल से, उसको भी याद नहीं रखना है। एल नीनो का मीनिंग सिंपल ऐसे सोचो ध्यान से, एल नीनो जिस जिस साल होगा उस साल बारिश होगी काफी कम। एल नीनो का कंडीशन जिस साल भी क्रिएट हुआ है उस साल बारिश होगी कम, सुखाड़ होगा ज्यादा। समझ पा रहे? तो अभी का जो आपको समय दिख रहा है इस साल वाला, वो एल नीनो वाला दिख रहा है। और साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट कर दिया, ज्योग्राफर ने प्रिडिक्ट कर दिया कि इस बार का सिचुएशन एल नीनो होगा, इसका मतलब इस बार बारिश होगी कम। और जब जब बारिश कम होगी तो मानसून आएगा लेट से, याद रखना। अब जब जब बारिश कम होगी मानसून लेट होगा। और मानसून का मीनिंग अभी के लिए क्या समझना? मानसून का सिंपल भी मीनिंग समझना कि सर एक बाबा आएंगे और बारिश करा के जाएंगे, कुछ बुझा रहा है। तो जैसी सिचुएशन होगा एल नीनो का, तो एल नीनो का सिचुएशन मतलब वर्षा कम की ज्यादा, बोलो ना, वर्षा कम। तो जब जब एल नीनो का सिचुएशन आएगा बारिश कम होने की सिचुएशन आएगी, बात खत्म। आइए इधर ला नीना पे, ला नीना में इसका अपोजिट रखना है क्या? बारिश ज्यादा। जब जब ला नीना होगा सर तब तब बाढ़ आएगा, बस ये याद रखे ना, लिख लो एक बार, बस सिंपली, बस सिंपल शब्दों में खाली लिख लो, ताकि ये आपको न्यूज पेपर में भी बहुत जिक्र होगा। जितने भी अगर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठेंगे, ज्योग्राफर बैठेंगे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट बैठेंगे, सब के सब ये जिक्र करेंगे, उस समय आप बोलोगे कि सर क्या है ये, इंडियन ज्योग्राफी का अलग पहलू है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा मीनिंग बता दिया। एल नीनो का मीनिंग बारिश कम, ला नीना का मीनिंग बारिश ज्यादा, ठीक है। और जब वापस इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बताया। चलिए आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। आइए जरा पेज 197 पे कॉपी पे हेडिंग डालिए साइक्लोन, आपको डलवाया भी था मैंने वहां पे हेडिंग डाले होंगे आप।
साइक्लोन, साइक्लोन के अंदर सबसे पहला पेज नंबर, उसमें मैं बोलता जाऊँ थोड़ा ध्यान से देख लेना, वो जरूरी पड़ेगा। साइक्लोन के अंदर सबसे पहला मैंने लिखा है कि साइक्लोन का मीनिंग सिंपल होता है, एक विंड पैटर्न है, एक विंड का बहने का पैटर्न है, बात खत्म, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो साइक्लोन जब भी आपको दिखाया जाएगा टीवी में या मूवी में, चक्रवात ऐसे ही दिखाया जाएगा, पूरा गोल गोल घूमता घूमता। साइक्लोन सिर्फ वैसा ही नहीं होता, वो जो बताया जाता है ना, वो साइक्लोन उससे बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन आपको और हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि साइक्लोन ऐसा ही पूरा भौंरा टाइप का घूमेगा, समझ पा रहे हैं? अगर रियल साइक्लोन देखोगे तो आपको लगेगा ऐसा कुछ होता ही नहीं। चलिए बहरहाल अभी के लिए मान के चलिए, नीचे आइए 197 के जस्ट थोड़ा नीचे एक वर्ड जिक्र किया गया है, व्हेन देयर इज हाई प्रेशर इन एनी रीजन, अगर किसी एरिया में हाई प्रेशर ज्यादा बन गया है तो नो साइक्लोन, वहां साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा, वहां पे क्या बनेगा? एंटी साइक्लोन। क्या बनेगा? अब मैं फिर आपको इधर देखो लालीना बताया किस लिए था, देखो इधर जब लालीना होगा तो बाढ़ ज्यादा यानी कि बारिश ज्यादा है ना, तो लालीना के सिचुएशन में ध्यान रखिएगा साइक्लोन ज्यादा आएगा। इसीलिए आमतौर पर बारिश जब खूब ज्यादा होती है तभी साइक्लोन आता है, और मैंने साइक्लोन के लिए एक मोटा मोटा मीनिंग आपको समझाया था, क्या कि सर अगर इंडिया के लिए रीजन है और इस रीजन पे मैंने बोला था कि एयर बह रहा है, समझ पा रहे हैं? और एयर बह रहा है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके जा ही रहा है, बारिश करवा रहा है कंटिन्यूअस। और सर साइक्लोन क्या है? पानी का ही तो बहाव है जो काफी तीव्र है, और इतना तीव्र है कि वो कंट्रोल में नहीं आने वाला है, और कंटिन्यूअस अगर उसको बारिश मिल ही रहा है, नचा रहा है, कंटिन्यूअस बारिश मिल रहा है, तो साइक्लोन रुकेगा क्या? नहीं, साइक्लोन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसको डायरेक्ट पूरा का पूरा मॉइस्चर मिलते जा रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिस सिचुएशन पे इधर अब ये विंड जो बह रहा है, ये विंड बह रहा है जो लेके आ रहा है, तो साइक्लोन आगे चलता चला गया और जाते जाते क्या है, वो लैंड के पास गया जहां से उसके पास रेनफॉल होने का सोर्स खत्म। जैसे ही बारिश होने का सोर्स खत्म हुआ तो जितना कैपेसिटी था उतना बरस चुका है वो। इसीलिए मैंने बोला था कि आमतौर से साइक्लोन समुद्र के किनारे जितने भी राज्य या देश बसे हुए हैं उनके यहाँ आएगा। बिहार में साइक्लोन आप नहीं सुनोगे जनरली, समझ पा रहे हैं? आप सुनोगे उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, ये सब सुन सकते हैं, केरला में सुन सकते हैं, महाराष्ट्र सुन सकते हैं, गुजरात लेवल पर सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात करेंगे मध्य प्रदेश की आपको सुनाई नहीं देगा। सुन पा रहे हैं? तो साइक्लोन का सिचुएशन जब बनेगा तो अभी के लिए साइक्लोन को रिलेट करना किससे? लालीना से। और एंटी साइक्लोन को करना किससे? एल नीनो से। एंटी साइक्लोन कुछ नहीं होता है, एंटी साइक्लोन का सिंपल मीनिंग है बादल फ्रेश है, बारिश ज्यादा नहीं है, सिंपल एंटी साइक्लोन का मीनिंग बादल फ्रेश, बारिश कम। अब आप एक हेडिंग डालिए, एक तरफ साइक्लोन दूसरी तरफ एंटी साइक्लोन, तेरी में हो गया, एक तरफ साइक्लोन एक तरफ एंटी साइक्लोन। अच्छा लो प्रेशर अगर कहीं बन रहा है तो कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है? कन्वर्जेंस होगा। लो प्रेशर बन रहा है तो कन्वर्जेंस, हाई प्रेशर तो डाइवर्जेंस, ठीक है। अब लिखिए पहला साइक्लोन में लिखिएगा लो प्रेशर इज नीडेड, लो प्रेशर इज नीडेड फॉर साइक्लोन। साइक्लोन में लिखिएगा लो प्रेशर इज नीडेड फॉर साइक्लोन। उस क्वालिटी थोड़ा सा छाप देना है, लो प्रेशर इज नीडेड फॉर साइक्लोन, हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इन एंटी साइक्लोन, हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इन एंटी साइक्लोन। अभी बहुत वेडिंग सीजन है इस बार बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत बच्चे मैसेज किए हैं भाग दौड़ में फंसे हुए हैं। लगन ज्यादा है क्या इस बार? अब आप लोग बताएंगे कि का ऑर्केस्ट्रा वगैरह होगा नहीं मतलब ठीक है, हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इन डाइवर्जेंस सॉरी इन एंटी साइक्लोन, क्लियर है ना? ठीक है, नीचे नो रेनफॉल इन एंटी साइक्लोन, क्लियर स्काई, नो रेनफॉल क्लियर स्काई, हाँ नो रेनफॉल क्लियर स्काई एंटी साइक्लोन। बताओ कैसे समझिएगा, मैं हाई प्रेशर जो बोल रहा हूँ हाई प्रेशर इन टर्म्स ऑफ क्या बोलो उसको समझना, लो प्रेशर इज क्रिएटेड नीचे ठीक है, और हाई प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है उसका सिचुएशन अलग, दोनों का अलग समझना, वैसे नहीं समझना जैसे आप समझने की कोशिश कर रहे हो फिर बोल दे रहा हूँ।
बोल रहा हूँ कि जब तक अगर लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तब तक बारिश होगी नहीं। सुन पा रहे हो कैसे? दिन में गर्म, रात में क्या हुआ, ऊपर चला गया तो नीचे क्या क्रिएट हो रहा था? अरे लो प्रेशर ना, ये तो बता ही चुका हूँ आपको सर। तो लो प्रेशर अगर क्रिएट हुआ तभी बारिश होगी। और लो प्रेशर जब बोल रहे हैं क्रिएट हुआ, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब सिंपल ये बोल रहे हैं कि वाटर वहां से इवेपोरेट हुआ है। वाटर जब ऊपर जाएगा तो नीचे क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर। और ये विंड जहां पे जाएगा वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। अरे ऐसा नो, तो हाई प्रेशर जहां क्रिएट करेगा विंड आता है वो सिंक करेगा। ऐसे भी सिंक कर रहा है, सिंक कर रहा मतलब वो क्या है? करंट है। अरे वो विंड नहीं है ना, वो करंट बोला तो था। वर्टिकल मूवमेंट क्या था? विंड। करंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट विंड। तो जहां पे हम बोल रहे हैं कि हाई प्रेशर क्रिएट हुआ एंटी साइक्लोन, इसका मतलब ये है सिंपल कि बॉस यहां से राइज किया नहीं है और ये करंट का फॉर्म है, इसलिए यहां पे ऑलरेडी आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। बट याद रखिएगा, ऑलरेडी जब यूपीएससी में और प्रीलिम्स में ज्यादातर क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसमें एक चीज घुमा के पूछता है, हर साइक्लोन के बाद एंटी साइक्लोन आता है। जो मैं स्टेटर बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, जैसे ये कुछ वैसा ही हो गया फिलोसफी टाइप, दिन के बाद रात होता है और हर रात के बाद दिन होता है। तो भाई साइक्लोन अगर हो रहा है तो एंटी साइक्लोन एक बार में तो होगा ही होगा। अगर जीवन भर साइक्लोन रहा है तो पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। तो सर ये बोला इसलिए जाता है, इसके पीछे लॉजिक है, आप अभी के लिए दिमाग में इतना रख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट जब पूछेगा तो याद रखना हर साइक्लोन के बाद एंटी साइक्लोन की सिचुएशन क्रिएट होती है। ये आप अभी लिख लेना, इस बात में बहुत कुछ है रिसर्चर के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जान लेंगे कि हाँ अगर स्टेटमेंट आएगा तो हम सही मारेंगे कि हाँ हर साइक्लोन के बाद एंटी साइक्लोन हो, बात खत्म। क्या क्लियर है? यस सर। चलिए तो बॉस लिख लीजिएगा, हर साइक्लोन के बाद एंटी साइक्लोन आता है। नोट, आफ्टर एवरी साइक्लोन एंटी साइक्लोन कम्स। बारिश अगर हो रहा हो तो साइक्लोन है कि एंटी साइक्लोन है? साइक्लोन है। अगर स्काई क्लियर हो, साफ सुथरा हो, बारिश नहीं हो रही तो क्या है? एंटी साइक्लोन। बस इतना दिमाग रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे 198 पे, इसको डिफरेंस छोड़ दीजिए, इसमें बहुत सारा डिफरेंस पढ़ने के बाद अभी आपको मिलेगा 198। अभी 200 रन मारने से पहले 198 पे आइए। अगर अभी 9 बज रहा है ना, 10 बज रहा है, मेरा घड़ी खराब हो गया है क्या? चलिए कोई बात नहीं, हम 9 मान के चलते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट 198 पे आ गए। बोलो ना प्रभु। सर नॉर्थ हेमिस्फीयर, ध्यान से समझना, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल रहा हूँ साइक्लोन के लिए। फिर बोल रहा हूं कि साइक्लोन के लिए नॉर्थ हेमिस्फीयर का मूवमेंट कैसा होगा और एंटी साइक्लोन के लिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में मूवमेंट कैसा होगा। क्या मेरे पास समझ पा रहे हैं? तो एंटी साइक्लोन, तो सर साइक्लोन का मूवमेंट नॉर्थ में साउथ में, एंटी साइक्लोन का मूवमेंट नॉर्थ में साउथ में कैसे जाएगा? सुन पा रहे हैं? तो आप यहाँ प्लीज भी तो बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन का याद रखिएगा। फिर बोलो लास्ट बार, साइक्लोन का याद रखिएगा। मैंने बोला था आपको फोरियोनिक फोर्स नॉर्थ में, राइट बोला था ना? yes, कि नॉर्थ में जब जाएगा मोमेंट तो नॉर्थ में क्या होगा, विंड जैसे इधर से आ रहा है तो राइट हो जाएगा, और साउथ में क्या होगा? लेफ्ट होगा, बोला था ना? तो मान लो अगर मैं ये डायग्राम यहाँ पे बनाया था, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो ये वाला जिसके तहत मैंने कुछ बोला था आपको, अगर ये विंड का डायरेक्शन ये मान लीजिए, मैंने बोला था यहाँ लो प्रेशर बन रहा था, याद है? yes, इक्वेटर पे। yes, और यहाँ बन रहा था हाई प्रेशर, याद है ना? तो क्या हो रहा था? ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ। सुन पा रहे? इसको कोई अभी ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, हम थोड़ा तो पढ़ा देता हूँ। आज ही करवाना था।
आते हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट आते हैं। लेबर डे है ना परसों, कल है, कल ही है शायद लेबर डे, हाँ 1 मई को। अरे मूल दिवस नहीं, मजदूर दिवस बोल रहा हूँ, मजदूर दिवस कल है, पूरे और पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है, सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, तो इसलिए सब मजदूर लोग आज ही काम कर ले रहे हैं कि कल छुट्टी है, हमारा दिन है कल, इसलिए आज निपटा रहे हैं। बहरहाल उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि हम लोग को छुट्टी मिलता है, आप समझ पा रहे हैं, तो उन लोगों को खुद पता नहीं होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि तो उन लोग खुद बोले नहीं क्या आज काम हो ना हो क्या, मालिक बोल रहा था आज आराम कर रहे काम कर सॉरी इधर, अरे बोलो ना बस थोड़ा इधर करना, ये शुरुआत कर लेते हैं ताकि कल फिर हम इसको कंटिन्यू कर लें। तो मैंने बोला है, फिर से बोल रहा हूँ वापस से, हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहा था, ये हम विंड हाई से लो की लो से हाई, हाई से लो, ऐसा नहीं ना कि सर आप 4-5 दिन छुट्टी लिए हैं तो सर लो से हाई बहा देते हैं ताकि दिमाग में आ जाए, तो हाई से किधर आया लो। अब यहाँ से मैंने बोला था नॉर्थ में क्या राइट टर्न करेगा, और मैंने बोला था राइट आपको विंड के मूवमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है, तो सर ऐसा ही मूवमेंट हमारा सब तरफ हो गया। आप एकदम प्यार से बता दीजिए कौन सा ये विंड है, स्टर्ली की स्टर्लीज है, क्योंकि ये चल रहा है इधर, ये ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्लियर है। फिर इधर लो प्रेशर बन रहा था कि हाई हाई, तो इधर से जा रहा है, लेकिन ये है क्या साउथ में, तो बोला था साउथ में किधर जाएगा लेफ्ट, यानी कि ये साउथ में लेफ्ट ऐसे जाएगा, क्लियर है। ये फिर से इसलिए बता दे रहा हूं तो मजा हो जाएगा, मैंने बोला साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स उसको राइट में ले जाएगा कि लेफ्ट में ले जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में बोला हूं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा राइट, और लेफ्ट में बोलेंगे तो कहां जाएगा, साउथ में कि नॉर्थ में, बोलो ना, मतलब नॉर्थ में राइट गया तो लेफ्ट में बोल रहा हूँ किस में गया, साउथ में, क्या क्लियर है। सिर्फ साइक्लोन का याद रखना बुआ, तो दिक्कत हो जाएगा, हम पहले बता दे रहे, डायरेक्शन देता है निकालने के लिए, डायग्राम देता है, इसमें उसको कुछ ज्यादा करना भी नहीं है, गोला बना देना है, लैटिट्यूड दे देना है उसको, कुछ नहीं करना है उसको, और हाई प्रेशर लो प्रेशर आप खुद समझिए और कुछ लेगा बताइए किधर से किधर, बस हो गया, सुन पा रहे हैं। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, पेज नंबर 198 पे आइए, जरा हम डायग्राम देखिए तो नॉर्थ हेमिस्फीयर लिखा हुआ है क्या, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक तरफ लो प्रेशर लिखा हुआ है, एक तरफ हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, पेज 198 ऐसा कुछ लिखा होगा, कुछ ऐसा कर कमाल, ये देखिए यहाँ लो प्रेशर लिखा हुआ है, अरे पक्का ना, तो लो प्रेशर लिखा हुआ है, और लो प्रेशर में ये मैंने ऐसे कुछ दिखाया है, तो लो प्रेशर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस यानी कि आसपास का विंड इसको भरना चाहेगा जगह, यस और नो, और ये मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ के लिए सिचुएशन है ये, नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए, तो ये सर हाई से लो आ रहा है, लो प्रेशर बना है, तो सीधा तो सर इसको कहां ले जाओ राइट में, यस और नो, इधर का भी विंड इसको जगह भरना चाह रहा है, ध्यान से देखो इधर का विंड जगह भरना चाह रहा है राइट के लेफ्ट, अरे लेफ्ट का दिमाग रख रहे हो, सब सब सिचुएशन नॉर्थ का चल रहा है, आप समझ पा रहे हो, इधर से ये भी एक विंड जा रहा है इधर जाएगा राइट, यस और नो, इधर से विंड आ रहा है लेफ्ट की राइट, राइट क्या समझ में आ रहा है, लो प्रेशर बना है और सर इसका मूवमेंट पूरा का पूरा यू और ऐसे आ रहा है, यानी कि अगर देखोगे तो कुछ ऐसा मूवमेंट इसका आ रहा है जो कि क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखिए बताओ, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा के अनुसार बोल रहे हैं, तो जब आप इस तरीके से नॉर्मली देखोगे तो बहुत सारे डायरेक्शन आपको दिखेंगे इसमें, लेकिन जो मैंने डायग्राम बनाया वहां से देखो डायग्राम 198, तो पहले ही आपको सिर्फ नियम बताया था कि नॉर्थ में जब जब आप बहाएंगे, हेलो नॉर्थ में जब जब आप विंड बहाएंगे तो सर साइक्लोन भी नॉर्थ में आपको राइट में ही लेके जाना है कोरियोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग। अब उस डायग्राम को जरा देखो एक बार जो दिखा हुआ है, दिख रहा है डायग्राम, तो इस डायग्राम को क्लॉकवाइज के हिसाब से काम करिएगा, अगर मैं इन सबको मिटा दूं तो एक बगल में और डायग्राम बनाया हुआ हो, दिख रहा है क्या, सेम उसी चीज को, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन देगा ऐसा देगा, हाई प्रेशर लिख के नहीं देगा, ऐसा देगा, तो इस डायग्राम में आप देखोगे तो सब का सब कन्वर्ज करने पे लगा हुआ है, आया ना,
ध्यान से देखोगे तो किसी एक को पकड़ो, किसी एक को पकड़ोगे तो अभी मामला निपट जाएगा। सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला, उसको पकड़ो। जैसे मैंने यहाँ पे ये भी बनाया था, अगर ऐसे बनाया था और इसको ऐसे लेके आया था, ठीक है, तो ये भी पैटर्न कहा जाएगा क्लॉकवाइज ही। अरे है ना, ये जहाँ बोल रहे हैं मान लो 6 बज रहा है शाम का, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लॉकवाइज हुआ, जैसा लोग। तो साइक्लोन में याद रखिएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में साइक्लोन का मूवमेंट, क्वेश्चन पूछता है फिर बोल दे रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ साइक्लोन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछेगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और वहां पे आपको दिमाग रखना है कि सर द मूवमेंट ऑफ साइक्लोन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर विल बी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां से? लेकिन अब हम जब इसकी साउथ की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ में जैसे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो बेसिकली कहने का क्या मीनिंग है, द मूवमेंट ऑफ साइक्लोन विंड का दिखाया गया क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली, ध्यान समझना, मैं आपको विंड का ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है, और जब साइक्लोन की बात करेंगे दोनों में थोड़ा डिफरेंस आएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा, पहले ध्यान से समझना। लेकिन जब तक विंड का पैटर्न हम नहीं समझेंगे तब तक साइक्लोन का पैटर्न समझ में नहीं आएगा बॉस। अब वहां पे जहां पे आपको डायग्राम दिखाया गया है, उस डायग्राम में क्लॉकवाइज और ब्रैकेट में क्या लिखा है, विंड की साइक्लोन, बोलो ना, विंड लिखा है, जस्ट इसके नीचे आओ, बट साइक्लोन मूव्स एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, नोट करके दिख रहा है, और जस्ट थोड़ा उसके नीचे आना, साइक्लोन इज नॉट ए सिंगल विंड, इट इज अ ग्रुप ऑफ विंड, दिख पा रहे क्या? अब आप लोग अभी के लिए बस एक मिनट के लिए कोई फोन निकालना और सिर्फ सर्च करना, किसी के पास है तो सिर्फ सर्च करना साइक्लोन मूवमेंट, तेजी में कुछ दिखाना है आपको, साइक्लोन मूवमेंट पिक्चर, साइक्लोन मूवमेंट पिक्चर, तेजी में करो, साइक्लोन मूवमेंट पिक्चर दिख रहा है, नॉर्थ में देख लो, वो अपने आप आएगा, साइक्लोन मूवमेंट डालोगे तो नॉर्थ और साउथ दोनों का दिखाएगा वो। हाँ, बॉर्डर की तरह दिखाएगा ही दिखाएगा, बिल्कुल। अब आपके और हमारे ऑलरेडी माइंडसेट पे जो साइकोलॉजी, मतलब बोलते ना कि जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली आपके माइंड में क्या सेट है ऑलरेडी, कि द साइक्लोन विल मूव लाइक दिस, ऐसे कि सर बॉस ये जो है ना ये भौरा वाला काइंड, और ऑलरेडी ये न्यूज में भी आपको दिखाया जाएगा, यूपीएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको फिलिंग्स में दिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डायग्राम उसी टाइप से दिखाते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर बहुत सारी चीजें, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आई, उसको जो बीच का स्पेस होता है उसको आर्क बोलते हैं, जो साइक्लोन मूव कर रहा है उसके बीच में जो जगह थोड़ा सा बना हुआ, जो ग्रुप को रोटेट कर रहा है उसको आई बोलते हैं, आर्क, और जो उसके बगल वाला उसको आई वॉल बोलते हैं, जो बाहर से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी के लिए इस साइक्लोन के अंदर आपको डायग्राम मैं ही भेज दूंगा, आपको एक हरिकेन फॉर्मेशन होगा, हरिकेन, अरे हरिकेन, साइक्लोन जब बहुत फास्ट होता है तब हरिकेन उसको बोलते हैं, हरिकेन सुनोगे आप लोग, अलग अलग नाम उसको बोला जाता है, और ये हरिकेन ज़्यादा बर्बादी करता है, हरिकेन ज़्यादा बर्बादी करता है, सर उड़ीसा वगैरह में जो आया वो हरिकेन ही आया जिसके कारण बर्बादी ज़्यादा बहुत हुआ। फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, इधर इधर विंड का मूवमेंट नॉर्थ और साउथ याद रहेगा, इधर इधर सुनो, तो जो विंड का मूवमेंट नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट था, क्लियर है, लेकिन जब साइक्लोन का मूवमेंट हम बोलेंगे तो सिंपल विंड का मूवमेंट खाली याद रखिएगा प्लीज, और साइक्लोन आते समय उसको उल्टा कर दीजिएगा। मतलब कहने का ये कि अगर विंड का मूवमेंट नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट था तो साइक्लोन ओवरऑल उसको कहाँ लेके जाएगा, लेफ्ट में, बट अगर हम इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे तो दिक्कत होगा, और हम विंड के बारे में पहले से जानते हैं कि विंड का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और सारा प्रोसेस जानते हैं, तो खाली सुनिए फिर से विंड ही याद रखिए, लेकिन साइक्लोन में याद रखिएगा कि साइक्लोन जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ना कि क्लॉकवाइज जाएगा। तो विंड का जब मूवमेंट, इधर देखो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ही जा रहा है, अरे हाँ ना, देखो लास्ट वन, लेकिन सर साइक्लोन तो कोई एक विंड नहीं है ना, वो तो ग्रुप ऑफ विंड्स है। तो आपको क्या याद रखना है, एक नोट करके पॉइंट लिखिए तेजी में, नोट करके जल्दी से लिखिए जो लिखा हुआ है, हम जो लिखवा लिखे सेम वैसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन पहले जो बोल रहे वो लिखिएगा, कोरियोलिस फोर्स, हिंदी में इसको लिख सकते हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण, या ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स के कारण
द मूवमेंट ऑफ विंड, द मूवमेंट ऑफ विंड, द मूवमेंट ऑफ विंड विल बी राइट इन नॉर्थ हेमिस्फेयर. कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड का मूवमेंट राइट में होगा, दाहिने साइड होगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में. सो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स द मूवमेंट ऑफ विंड टेक्स प्लेस इन राइट डायरेक्शन. क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट सूत्र लिखे, नोट करके लिखना. बट साइक्लोन मूव्स, बट साइक्लोन मूव्स एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर. जहां पे मैं इसके पहला वाला पॉइंट लिखवा उसके ब्रैकेट में क्लॉकवाइज डाल देना, मूवमेंट ऑफ विंड इन राइट डायरेक्शन क्लॉकवाइज, वहां लिख देना मूवमेंट ऑफ विंड इन राइट डायरेक्शन क्लॉकवाइज. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ साइक्लोन क्या मान लिखा, बट साइक्लोन मूव्स एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर. जो लिखा है उसी को थोड़ा चेप देना है, मैं बस उसको मिक्सअप करके खाली लिखवा रहा हूँ, उसमें बस शॉर्टकट लिखा हुआ है थोड़ा सा. तो साइक्लोन का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, एक ही याद रखना. तो एंटी क्लॉकवाइज किस में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो क्लॉकवाइज किस में होगा, साउथ में. क्या समझ पा रहे हैं? तो बस लास्ट लिखिए, बस प्लीज एक ही याद रखिएगा, पूरा मत याद रखने की कोशिश करना. उस पर लिखो मूवमेंट ऑफ साइक्लोन इन साउथ हेमिस्फीयर मूवमेंट ऑफ विंड सॉरी मूवमेंट ऑफ साइक्लोन इन साउथ हेमिस्फीयर विल बी क्लॉकवाइज, will be clockwise. ठीक है, तो मैं अगर सिंपल शब्दों में ऐसे आपको डायग्राम बनाऊं, तो एक तरफ साइक्लोन लिख लीजिएगा, साइक्लोन के अंदर यहां देख लीजिए, ये बना लीजिएगा डायग्राम ताकि कंफ्यूजन ना हो, नॉर्थ हेमिस्फीयर और इधर साउथ हेमिस्फीयर, यही बना लीजिए. नॉर्थ में हेमिस्फीयर में क्या लिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ में लिखेगा क्लॉकवाइज. ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे ऐसे एक लाइन और खींचिएगा और उसमें बना दीजिएगा एंटी साइक्लोन. और मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, नॉर्थ में सीधा बना लीजिएगा क्लॉकवाइज और साउथ में बना लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज. हो गया, बन गया पक्का? आप लोग, मैंने आइसोबार बताया था, आइसोबार बोला था आपको, बहुत सारा आइसोहेलाइन, आइसोबार, आइसो मतलब बोला था सेम, उसमें अलग अलग हो जाता है, आइसोहेलाइन अलग अलग होता है, आइसो थर्मल हो जाता है. अरे नहीं बोला था क्या? बोला था, मैंने बोला था, बता रहा हूं मुझे याद है. आइसो मतलब बोला था सेम होता है, और उसके बाद मैंने बोला था आइसो थर्मल भी होता है, आइसो हलाइन होता है, आइसो बार होता है. तो बार जो है वो किसका यूनिट है? प्रेशर का. अरे है ना, तो जब प्रेशर किसी पॉइंट पे सेम पूरी तरीके से रह गया हो, तो हम उसको बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि सर आइसो बार को उसी हिसाब से क्रिएट करेंगे किसी, मैंने बोला था ऐसे, देखो एक लाइन है और इस लाइन पे ए भी पांच, यानी कि सबका प्रेशर बराबर फील हो रहा है. समझ पा रहे हैं? अगर एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में जहां पे नमक है और सभी नमक का जितना मात्रा एक जगह है उतना ही मात्रा अलग अलग जगहों पे बराबर है, तो क्या उसको बोलते हैं? आइसोहलाइन. अब बोले आइसोथर्मल, जहां टेम्परेचर बराबर हो एक समान हो उसको क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल. उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं आइसोबार का. अब उसके अंदर आप देखिए पेज 199 ठीक है, वहां पे कुछ दिख रहा है आपको, एक लाइन दिख रहा होगा, इन साइक्लोन क्लोज्ड आइसोबार इज देयर, दिख रहा है?
इन साइक्लोन क्लोज्ड आइसोबार इज देयर, और दूसरा लिख रहा होगा आइसोबार इज परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। ये वाला साइन क्या होता है पता है ना, ऐसा लिखा परपेंडिकुलर है तो मैंने इसमें ऐसा डाला हुआ है। तो आइसोबार इज परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन, यानी कि याद रखिएगा ध्यान से क्वेश्चन स्टेटमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब जब आपको कैसे इमेजिनेशन नहीं भी बने तो अभी हटा दीजिए, लेकिन दिमाग रखिएगा विंड का जो मूवमेंट होगा, लो विंड का जो मूवमेंट होगा हाई टू लो कि लो टू हाई, हाई टू लो। तो जब विंड का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा तो जो भी आइसोबार बनेगा वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये रहा विंड का मूवमेंट, अभी के लिए समझ लो ये विंड का मूवमेंट रहा, तो इस पे कैसा होगा साइक्लोन, ऐसा होगा, अरे हाया ना, मतलब आइसोबार। मैं बोलना चाह रहा हूं सिंपल कि जो विंड का मूवमेंट इस तरीके से होगा हमेशा उस पे आइसोबार परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि उस पे 90 डिग्री बनेगा। बस प्लीज इतना ध्यान रख लेना, ना कोई 60 ना 30 ना 40 कुछ नहीं, कितना बनाएगा 90 डिग्री। फिर तो बोल रहा हूँ लास्ट बार, ये आपसे पूछा जाएगा बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से। मैंने बोला विंड का मूवमेंट जब भी होगा हाई टू लो होगा, और विंड के मूवमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वही आइसोबार होगा। क्या सुन पा रहे हैं, बस ये रिलेशन याद रखिएगा, लिखिए नोट करके। इन साइक्लोन तेज में लिखिएगा, हाथ तेज में पढ़िएगा, क्लोज्ड आइसोबार इज देयर, इन साइक्लोन क्लोज्ड आइसोबार इज देयर। अब जैसे ये समझ लो यहां पे ये ऐसे रेखा गया, ये मान लो विंड का डायरेक्शन है हाई टू लो, क्या दिख पा रहा है आपको, इधर देख लो एक बार फिर लिख लेना, हाई प्रेशर टू कहां गया लो प्रेशर। मैं बोल रहा हूं लेट से कोई पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए का प्रेशर है 5 bar, 5 bar मान लो इसका यूनिट है, ठीक है, फिर मान लो 5 यहां भी है, फिर मान लो 5 यहां भी है, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे हम लेवल अप करने के लिए, तो मैं बोल रहा हूं कि 5 bar इस जगह पे है, कितना देर बनाया 90 डिग्री आया ना। तो सर विंड का मूवमेंट, सर विंड का मूवमेंट और आइसोबार का लाइन, आइसोबार का लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको अभी के लिए समझने के लिए कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब भी जाएंगे विंड के मूवमेंट के कारण जो आपका आइसोबार होगा उसके परपेंडिकुलर हमेशा होगा। पहले यहां से क्लियर है, अबाउट नेक्स्ट लिखो वहां, इन साइक्लोन क्लोज्ड आइसोबार इज देयर। मैं बोल रहा हूं साइक्लोन में क्लोज्ड आइसोबार है, उसके कारण बताता हूं क्यों, लिखो इन साइक्लोन क्लोज्ड आइसोबार इज देयर, देख रहा है एक डायग्राम बनाया हुआ, उसमें ध्यान से देखना एक है डायग्राम, उस डायग्राम में आप मुझे बताओ, इधर हेलो प्लीज देख लो, ये लो प्रेशर साइक्लोन में बन रहा था कि हाई प्रेशर साइक्लोन में, लो प्रेशर अभी तो बताया था साइक्लोन में क्या बनेगा लो प्रेशर, पलट के देख लो प्रभु, देखो क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा पक्का। मैं कसम खाता हूँ कि सर साइक्लोन में लो प्रेशर आप बनाए हैं हम ही बनाएंगे, क्लियर है। तो सर लो प्रेशर होगा तभी तो कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस होगा तभी तो सर उसको फिल अप करना सोचेगा, यस नो। यहाँ पे सब पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो जब पास आएंगे तो उसका आइसोबार भी क्या होगा क्लोज होगा, आसपास होगा। और जब हम जैसी सीधा सा बात हाई प्रेशर बन रहा था किस एंटी साइक्लोन में, अरे एंटी साइक्लोन में क्या बन रहा था हाई प्रेशर, तो सब दूर जाना जाएगा नहीं जाएगा, तो क्लोज्ड आइसोबार बनेगा कि दूर आई, मतलब ये पार्ट आइसोबार बनेगा, ये पार्ट बनेगा, यानी कि वहां आइसोबार क्लोज नहीं आ रहा है बल्कि क्या कर रहा है दूर जा रहा है। तो सर इसलिए लिखवाइए साइक्लोन क्लोज्ड आइसोबार विल बी फॉर्म, बट इन एंटी साइक्लोन जो आइसोबार बनेगा वो काफी दूर चल रहा है क्योंकि एक दूसरे से दूर है, पास नहीं आना चाहिए, क्या सुन पा रहे हैं, चलिए लिखिए। तो इन साइक्लोन क्लोज्ड आइसोबार इज देयर, आइसोबार उसका दूसरा लिखना आइसोबार इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन, आइसोबार इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। उसके बाद लिखना इन एंटी साइक्लोन आइसोबार्स आर अपार्ट दूर, मैंने बोला इन एंटी साइक्लोन आइसोबार्स आर अपार्ट, अपार्ट मतलब होता है दूर 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 नहीं बोलिएगा दूर दूर,
in anticyclones, isobars are apart. अब आपसे मैं कुछ बातें पूछने वाला हूँ. ट्रॉपिकल एरिया ये सब बताया हुआ, ट्रॉपिकल टेम्परेट और दिमाग में होगा ना, तो बताना जरा जिससे पूछो वो बताना कि टेम्परेट कौन कौन सा, मतलब कितने कितने डिग्री के बीच में लिखवा है, जिनको पता है वो हाथ खड़े करें. टेम्परेट सबसे पीछे, हाँ टेम्परेट का बोलिए कौन सा जोन था, टेम्परेट जोन. हाँ बताइए डिग्री में मतलब वो सही है, टेम्परेट वाला पक्का ना. अच्छा ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट. एक और क्वेश्चन बता देना, सही बताना कितना देना. मैंने फ्रिजिड जोन पढ़ाया था आप लोगों को, याद है सभी को, पक्का ना. क्योंकि फ्रिजिड जोन का इस्तेमाल होने वाला है अभी, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ पहले. आप सब बोले हो हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब बोले हो हाँ, आप क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ. चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से गौर से सुनना. ये देखना, मान लो मैंने जो पढ़ाया था आपको लेट से, उसके अंदर ये अभी थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, ये जीरो डिग्री रहा तो विंड का मोमेंट कुछ ऐसा ही आ रहा था क्या, ऐसा बन रहा था नहीं बन रहा था, ऐसा ही था. तो ये कौन सा विंड था, स्टर्ली की वेस्टर्ली, स्टर्ली था. बहुत बढ़िया, तो आपको खुद इमेजिनेशन करना है. क्वेश्चन पूछेगा स्टर्ली विंड के कारण बारिश खूब होगा गुजरात में, क्वेश्चन बोला है. और आपको बताना स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, किसको बोल रहा है. स्टर्ली विंड के कारण खूब बारिश हुआ है गुजरात में, स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स. जो फॉल्स लगता है हाथ खड़े करो. क्या इमेजिनेशन कर पा रहे हो? yes, इधर देखो, स्टर्ली विंड बोला हूँ, यानी कि इंडिया अगर लेट से यहाँ है तो इंडिया वाले गुजरात वाला रीजन ही है, गुजरात महाराष्ट्र आया ना. yes, तो अगर गुजरात महाराष्ट्र मतलब राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र ये अगर हो गया, याद रहेगा ना. मैं बोला स्टर्ली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो स्टर्ली मतलब इंडिया का ये स्टर्ली विंड बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के और मॉइस्चर उठा के बारिश करवाएगा, हाया ना. तो सर ये तो बारिश करवाएगा भी तो इधर साइड पूरा करवाएगा ना, इतना थोड़ी ना इसमें औकात है कि सर इधर आके इधर करवा देगा. इधर के लिए कौन जिम्मेदार है, वेस्टर्ली विंड. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टर्ली विंड के कारण उस पर असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा असर, लेकिन मेन मुख्य रूप से प्राइमरी रूप से अगर गुजरात में बारिश हो रही है तो स्टर्ली के कारण हो रही है कि वेस्टर्ली के कारण, वेस्टर्ली के कारण. अरे हाया ना, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर ध्यान से समझना क्योंकि अब आ गया है अंजाम देने का. तो पेज नंबर आपको जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से रखना. साइक्लोन जब भी फॉर, इधर देखो इधर इधर, मान लो साइक्लोन अगर फॉर्म हुआ है यहाँ पे, साइक्लोन एक उठा भौरा उठा यहाँ से, तो इस साइक्लोन को स्टर्ली विंड और तेजी में नहीं बढ़ा के लेके जाना चाहेगा. अगर वो जीरो से इसके इक्वेटोरियल रीजन में बना है तो क्या समझ पा रहे हो? अरे हाँ ना, फिर बोल रहा हूं, इक्वेटोरियल क्षेत्र में मान लो तूफान उठा साइक्लोन उठा, तो उसको आगे बढ़ाने में और मदद कौन करेगा, स्टर्ली विंड की वेस्टर्ली विंड. फिर से पूछ रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हैं आप? लेकिन अगर हम बोले कि सर 55 डिग्री नॉर्थ में बना है साइक्लोन, तब कौन सा विंड उसको मदद करेगा आगे चलाने के लिए, स्टर्ली की वेस्टर्ली, वेस्टर्ली. ये अब जरूरी आ गया, अब सब इंटरमिक्स होने वाला है. इसीलिए क्या बोल रहा हूँ, ये तो मैंने यहाँ बोला जरूरी कि इक्वेटोरियल रीजन में, अब बोल रहा हूँ यहाँ ये लेट से मान लो 60 डिग्री है और मैं बोल रहा हूँ ये इधर इधर इस वाले क्षेत्र से तूफान उठा है. क्या सुन पा रहे हैं? अगर इस वाले क्षेत्र से भी तूफान उठा है तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्या होगा यहाँ पे, हाई टू लो था ना, तो ये तो स्टर्ली था ही, ये था ना, क्या था ये हाई था, तो लो प्रेशर बनेगा. तो इसका डायरेक्शन ऑलरेडी किधर था, हाई टू लो वेस्टर्न के कारण, तो ऐसे ही ऑलरेडी मूव कर रहा है. यस और नो? सर याद रखिएगा, अब लैटिट्यूड के आसपास ये पूछेगा कि साइक्लोन को आगे बढ़ाने में स्टर्ली विंड मदद करेगा कि वेस्टर्न विंड, समझ आ रहा है? सर ये डिपेंड करेगा कि कौन कौन से लैटिट्यूड पे और कहां से उठा है. तो आपको जो बताइए
इंडिया में स्ट्रगलिंग में जिम्मेदार होगा साइक्लोन को आगे बढ़ाने में कि वे स्ट्रगलिंग में जिम्मेदार स्ट्रगलिंग होगा क्यों क्योंकि सर अगर तूफान बे ऑफ बंगाल में उठा है तो बे ऑफ बंगाल को तूफान को और आगे बढ़ाने में मदद कौन सा कर देगा कौन सा स्टर्लिमेंट लेकिन फिर तो बोल रहा हूँ अगर तूफान अरब सागर में उठा है अरबियन सी में तो कौन सा विंड मदद करेगा अरबियन सी याद है अरे इंडिया के इधर साइड में कौन सा है अरब सागर याद नहीं किया है क्या उत्तर में नेपाल दक्षिण में याद किए नहीं किए सब याद तो मतलब करना चाहिए आप याद रखिएगा अरबियन सी जरूर बोल रहा हूँ लेकिन ध्यान से समझिएगा लेकिन अभी के लिए इतना गलत ध्यान रखिएगा कि इंडिया में चक्रवात चक्रवाती बोलते हैं साइक्लोन को तो साइक्लोन जो है जिम्मेदार होगा उसमें स्टर्लिंग विंड का सबसे ज्यादा सहारा और रोल होगा उसको बर्बाद करने में इसीलिए इधर याद रखो इंडिया वाले रीजन में क्या था ओट था ना तो ज्यादा क्षेत्र बर्बाद कौन होता है ये उड़ीसा वाला क्षेत्र हमेशा सुनेंगे हमेशा ये रिस्क में रहता है पिछले साल भी वैसे ही हुआ था इन लोगों के चलते यूपीएससी का एग्जाम डिले करके बाद में लिया गया था तो कहने की वजह से बहुत बर्बाद क्षेत्र हो जाते हैं तो इसीलिए स्टर्लिमेंट को दिमाग में रखिएगा भूलिएगा मत अब जरा आइए 199 पे 199 वहां पर कुछ लिखा होगा देखिए बे ऑफ बंगाल में अगर साइक्लोन बनता है देनो इंडिया के ईस्ट साइड पे होते हैं बिकॉज ऑफ स्टर्लिमेंट इसलिए मुंबई एंड गुजरात में ज्यादा साइक्लोन नहीं पहुंचता जबकि वो भी किनारे पे ही है इन वेस्ट साइड ऑफ इंडिया तो क्यों नहीं पहुंचा क्योंकि स्टर्लिंग उसमें ज्यादा जिम्मेदार था कि स्टर्लिंग जिम्मेदार था स्टर्ली था और स्टर्ली था इसके कारण वहां पे वेस्ट में जनरली समुद्र के किनारे वो लोग हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग ज्यादा प्रभावित साइक्लोन से नहीं होते हैं क्योंकि साइक्लोन का ज्यादा जो केंद्र होता है वो स्टर्लिंग के कारण सारा का सारा बर्बाद करता है अरबियन सी से उतने जिम्मेदार नहीं होते उसके पीछे और कारण है क्योंकि हम अभी तो सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो इंडिया के चारों साइड देखोगे तो उसमें बहुत सारा चीज फैक्टर आ जाएगा हम एक मैप क्या देख रहे हैं कि सर एक तरफ इंडिया है इंडिया के ईस्ट में कुछ है वेस्ट में कुछ है देख रहे हैं अब एक तरफ से देखो पूरे वर्ल्ड मैप पे लगा है उसमें इंडिया का मैप है तो उसके इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग अगर देखोगे पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्या है इंडिया के ईस्ट में कहने की बात ही नहीं है कौन सा है अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इमेजिन कर पाओ इंडिया के ईस्ट में कौन जाएगा अफ्रीका नहीं सर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाएगा ना सर आया ना ठीक है अब कहने के फिर बात नहीं है कि सर इंडिया के साउथ में जो है चाइना वही जाएगा नहीं सर समझ पा रहे ना तो सर दिमाग में रखना है मतलब मैं पक्का यहाँ तक हो गया चलो आज यहीं तक रहने देंगे ठीक है दो मिनट और तो कहाँ साल है आपका 200 का ये 200 पेज नंबर 200 दोहरा सा मार लेते हैं ना आइए दोहरा सा तक पेज 200 सो ट्रॉपिकल एरियाज में जो साइक्लोन होते हैं वो मेजरली स्टर्लिंग विंड के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में जितना भी होगा उस सब के सब किसके कारण होगा स्टर्लिंग विंड के कारण ट्रॉपिकल क्षेत्र में ट्रॉपिकल का रीजन आपको पता है ऑलरेडी कितना 0 से 23 बोल सकते हैं हम यहाँ पे जब मान के चलते हैं तो 0 से 30 मान के चलते थे क्योंकि हमको हेडले फेरले सब कुछ आपको बताना था तो फिर भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल में जो भी कुछ होगा उस पर जिम्मेदार कौन होगा स्टर्लिंग जिम्मेदार होगा नीचे स्टर्लिंग विंड के इन्फ्लुएंस के बाद नीचे दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मेनली अफेक्ट द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट इसीलिए अब साइक्लोन का दो टाइप हो जाएगा एक हो जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन एक हो जाएगा टेम्परेट साइक्लोन इसीलिए आपको बोला हूं कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट आपको आना चाहिए तो इधर बताओ मुझे ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जिम्मेदार कौन है स्टर्लिंग विंड की वेस्टर्ली विंड लेकिन जब बात करेंगे टेम्परेट का तो कौन जिम्मेदार आ जाएगा वेस्टर्ली आ जाएगा क्या समझ पा रहे हैं यही मेन मुद्दा है समझाने का नीचे आइए एक वहां पे माइंड मैप बना हुआ ध्यान से देखिए जरा दिख रहा है एक गोला दिख रहा होगा गोला के नीचे मैंने वहां पे डाला हुआ एक अफ्रीका का मैप होगा एक इंडिया का होगा छोटा छोटा दिख रहा होगा वहां में लिखा है कि विंड मॉनसून विंड के कारण वेस्ट भी अफेक्टेड होता है पर जनरली मोस्टली ईस्ट ज्यादा अफेक्ट होता है ड्यू टू साइक्लोन एंड स्टर्लिंग विंड तो साइक्लोन और स्टर्लिंग विंड के कारण ज्यादातर कौन सा क्षेत्र बर्बाद होता है स्टर्लिंग के कारण इंडियन ज्योग्राफी में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि मॉनसून के कारण ही थोड़ा बहुत प्रभाव इधर पड़ता है लेकिन जितना प्रभाव उधर स्टर्लिंग विंड के कारण पड़ता है उतना प्रभाव स्टर्लिंग विंड के कारण नहीं पड़ता और इसका कारण देखो क्या इधर देखो कोई मुझे कारण बता दे तो मैं उसको सच में इनाम दूंगा पूछो एक बार बताने की कोशिश करना लगाने मानी कुछ बोलते ना लगे तो लगे ऐसा कुछ है ना लाठी बदले वाली लाठी
क्या पता, हाँ कहीं अगर हो गया तो भाई मजा आ गया। चल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भूलवाना है, इसे थोड़ा एक कहानी सुना देता हूँ। एक मेरे बैच में अद्भुत नाम का लड़का, उसका नाम ही था अद्भुत। सच बता रहा हूँ, अद्भुत जायसवाल था। एक बार हुआ गया, केमिस्ट्री की क्लास थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ट्वेल्थ में आप लोग पढ़े ही होंगे, पढ़ा हूँ। सर ने ना कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था बिल्कुल, मतलब रिलेटेड ही था सिलेबस से लेकिन कुछ अलग था। उसी जवाब आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया। आप वहां तक कुछ पढ़ा हुआ नहीं था, सर कुछ अलग समझ लिए। समझ पा रहे आप, मतलब सर कभी तो सर ही अलग था। अरे घर जाओ, तुम जवाब दे दिया। फिर सर भी कहेंगे हम तो सोचते नहीं थे कि ऐसा आंसर मिलेगा। आप समझ पा रहे, सर ने उसके लिए उसके बाद 5-10 जो है बड़ा बड़ा जो कैडबेरी और ये सब मंगा के उधर मंगाया होगा, बोले एकदम एकदम सावा शानदार जबरदस्त एकदम करके। अब सब बच्चे सर ने बगल में सोच रहा है जितने सारे भाई गजब यार, तो सिपा रूप सब निकला। उसके 2 दिन बाद पता चलता है भाई साहब उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ नहीं पता है। असल में अरे ऊपर मजे मजे में बोल दिया था वो, सर पूछे इसलिए कभी भी होता है क्या, सर पूछे क्यों हुआ, और कभी भी साहब कहता है फ्लोप फ्लोप में, कहता है इसलिए वो कहीं बोला उधर चल गया था, मजाक मजाक में वैसे ही जवाब दे दिया था और उसको इनाम मिल गया। और आज तक वो बोलता रहता है, आज तक हम उसको बोलते रहते हैं, अभी भी कॉन्टैक्ट में है, आज तक बोलते रहते हैं भाई तुम्हारा भार उससे बनिया, चमाचर पढ़ने वाला होता तो उसको हमेशा जवाब देता। और उसके बाद सर जब भी उसको सर के नजर बस गया, वो सर के नजर एक बार बस गया, जब तक पूछा था बोलते अद्भुत, अब अद्भुत देखने लगता था ही सोच रहे अब क्या करेगा अद्भुत, अद्भुत के काम के अद्भुत हो गया था। बाद में चल कुछ नहीं हुआ, ट्वेल्थ में एक बार खेल मारा काम समझता। क्वेश्चन अब आते हैं, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ट्रॉपिकल में अगर स्टर्लिंग विंड बह रहा है, हेलो, तो अब ध्यान से समझिएगा, ट्रॉपिकल में अगर स्टर्लिंग विंड बह रहा है तो स्टर्लिंग विंड ही ज्यादा क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि हमारे मैप में तो वे स्टर्लिंग विंड भी है ना, हवाएं तो दोनों चल रही हैं, स्टर्लिंग भी चल रही हैं, वे स्टर्लिंग भी चल रही हैं, पूरे आपको यहाँ पे बता दिया, लेकिन उसके बावजूद स्टर्लिंग विंड ज्यादा डोमिनेंट क्यों है, कौन बता देगा, बता देंगे तेरे ट्राई वाली दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ आओगे तो दोनों को मिलाकर स्टर्लिंग विंड ज्यादा है। अरे समझो ना, ये जो बनाया हूँ तो ये पूरा दोनों मिलाकर पूरा स्टर्लिंग नहीं है, लेकिन जब हम वेस्टर्ली की बात करते हैं तो सिर्फ नॉर्थ में इतना एरिया मान लो 30 से 60 के बीच में वेस्टर्ली चल रहा है, तो इसका एक तो जोन ज्यादा है, आया ना, और दूसरा इधर इक्वेटर पे लो प्रेशर कंटिन्यूअस बनते जा रहा है, क्योंकि हर दिन गर्मी, हर दिन इवेपोरेशन, हर दिन बारिश, ये कंटिन्यूअस है, रुक नहीं रहा। जबकि यहाँ के टेम्परेचर में तो डिफरेंस ऊपर नीचे हो भी रहा है, लेकिन सर यहाँ तो कभी हो नहीं रहा, इसलिए स्टर्ली विंड को दिमाग में ज्यादा रखना, वेस्टर्ली को रखना, लेकिन ज्यादा कुछ जो होगा साइक्लोन वगैरह किसके कारण होगा, स्टर्ली के कारण होगा, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूअस है, और वेस्टर्ली विंड इसलिए थोड़ा सा मात खा जाता है इस बेसिस पे। तो एक तो जोन ज्यादा है वो भी ट्रू, दूसरा स्टर्ली विंड हमेशा कंटिन्यूअस, चूंकि इक्वेटर पे हर दिन बारिश होती है, इक्वेटर पे हर दिन गर्मी होती है, और इक्वेटर पे हर दिन शाम 4 बजे बारिश होती है, तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या, जितने भी इक्वेटोरियल क्षेत्र के हैं वहां पे प्रोसेस कंटिन्यू है, धूप उतना ही, बारिश भी उतना ही, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मैंने बोला था पशु पक्षी के लिए चाहे पेड़ पौधों के लिए बहुत फायदेमंद चीज होता है, इसलिए वहां पर जितने भी बड़े बड़े अमेजन फॉरेस्ट हो चाहे बड़े बड़े पेड़ हो, सबको सनलाइट के लिए टेंशन रहता है, कौन कितना ऊपर आगे चला जाए, तो सबको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, इतने घने घने जंगल जो होते हैं इक्वेटोरियल पे, पहले याद रखिए, चलो इसलिए याद रखिएगा, स्टर्लिंग को ज्यादा ध्यान रखिएगा, वेस्टर्लिंग को नहीं, सुन पा रहे, और वेस्टर्ली भी काम करेगा, लेकिन जब मॉनसून हम पढ़ेंगे इंडिया जो रख में, तब वेस्टर्ली का जिक्र वहाँ आएगा, वेस्टर्ली अपना वहाँ पे काम निकालेगा। नीचे आइए, नीचे 199 नहीं, दो रास्ता तक मारे हैं, टेम्परेट पे आइए, इन टेम्परेट साइक्लोन दिख रहा है, जैसे बोलो ना वेस्ट मार्जिन पहले दिखेंगे, इन इंडिया में जो फ्रंट्स आ रहे थे वेस्ट से आ रहे थे, दैट इज वेस्ट मार्जिन पहले इम्पैक्ट होगा, तो इंडिया में वेस्ट मार्जिन पहले इम्पैक्ट होगा किसके कारण, टेम्परेट के कारण, ट्रॉपिकल के कारण, टेम्परेट के कारण, और टेम्परेट में कौन सा विंड है, वेस्टर्ली विंड है,
कॉमन सेंस की बात है। अब जरा नीचे आइए, वहां पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ के देखो एक बार। कुछ लिखा दोहरा शतक पे, बहुत बड़ा चीज लिखा हुआ है, इक्वेटर पे कभी भी साइक्लोन नहीं बनेगा। क्या लिखा है सभी को, क्या कारण लिखा हुआ है, वहां लिखा ऑलरेडी इक्वेटर पे नॉन साइक्लोन इन फॉर्म बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। सर हर दिन कोरियोलिस फोर्स उसको नचा के लेके जाना चाहेगा कहीं और, और क्या लिखा हुआ है, कोरियोलिस फोर्स वहां होता है जीरो। और आपको मैं जब कोरियोलिस फोर्स पढ़ा रहा था तभी मैंने लिखवाया था नोट करके कि सर इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, तो वहां कोरियोलिस फोर्स लगभग नगण्य है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो सर इक्वेटर से क्या कभी साइक्लोन स्टार्ट हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वहां कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जीरो। अगर इक्वेटर पे जब भी, मैंने जब कोरियोलिस फोर्स लिखवाया था ना, जाकर देखना कॉपी में, नोट करके लिखवाया था मैंने कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, और अगर नहीं लिखवाया था तो नोट करके यहाँ अभी लिखो जल्दी से तेजी में, ऑन इक्वेटर कोरियोलिस फोर्स इज जीरो, ऑन इक्वेटर कोरियोलिस फोर्स इज जीरो और एब्सेंट। कोरियोलिस फोर्स इज जीरो और एब्सेंट, इसलिए दैट्स व्हाई साइक्लोन नेवर स्टार्ट फ्रॉम इक्वेटर, दैट्स व्हाई साइक्लोन नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम इक्वेटर। तो सर इक्वेटर से साइक्लोन की शुरुआत कभी हो सकती है क्या, नहीं हो। यहां तक क्लियर है, तो अब साइक्लोन के लिए क्या क्या, पहला कंडीशन की सर लो प्रेशर बनना ही चाहिए, अगर लो प्रेशर साइक्लोन में नहीं बना तो साइक्लोन पॉसिबल नहीं होगा। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से इधर देखो, इंडिया का रीजन है ना, इंडिया का ही लास्ट रोड देख लो, स्टार्ट है क्योंकि तो चल रहा है इधर आज। अब आप मुझे बताना, मैंने बोला क्या, अगर यहाँ पे लो प्रेशर बना है सर, इधर बे ऑफ बंगाल से विंड आ रहा है, हाँ है ना, तो यहाँ क्या बना होगा, हाई प्रेशर, यस और नो। और सर ये जब तक इधर लो प्रेशर बन रहा है तब तक नहीं लगता कि सर ये लेके आएगा, हवा लेके आएगा, बारिश करवाता है, करवाएगा, हाँ है ना, यस सर। तो सबसे ज्यादा ईस्ट मार्जिन बर्बाद होगा कि नहीं होगा, होगा, यस और नो। तो क्या बोल रहा हूँ फिर से कि सर इस्टर्ली विंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने बोला इधर साइक्लोन चाहे टेम्परेट हो चाहे ट्रॉपिकल हो, साइक्लोन को बनने के लिए लो प्रेशर का क्रिएट होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ लो प्रेशर नहीं होता तो क्या साइक्लोन का निर्माण होता, मैं वो अपोजिट कर दे रहा हूँ, यहाँ बन गया हाई प्रेशर, इमेजिन कर लो यहाँ बन गया लो प्रेशर, क्या कभी साइक्लोन और यहाँ उठेगा, नहीं उठेगा, क्योंकि विंड का मूवमेंट इधर जाएगा ना, हाई टू लो, और साइक्लोन उठेगा भी तो कहाँ उठेगा, लो प्रेशर के पास। अरे ऐसा नो, तो सर हवा इधर से जा रहा है तो उसको लेके और समुद्र की तरफ लेके जाएगा, तो सर कभी भी हमारा लैंड तो इफेक्ट नहीं होगा, क्या सुन पा रहे हैं। लेकिन सर इसलिए बोल रहा हूँ कि लो प्रेशर क्रिएट होना साइक्लोन के लिए जरूरी है। सो जस्ट 200 पेज पे लास्ट लाइन देख लो कि अभी खुद लिखो, इन साइक्लोन नेसेसरी कंडीशंस आर, लिखो क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होने ही चाहिए तभी साइक्लोन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इन साइक्लोन यानी कि साइक्लोन के बनने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, पहला लो प्रेशर होना ही चाहिए, लो प्रेशर चाहिए ही चाहिए, लो प्रेशर चाहिए ही चाहिए। दूसरा कोरियोलिस फोर्स चाहिए ही चाहिए, कोरियोलिस फोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तीसरा अब जब साइक्लोन बनेगा तो आइसोबार क्लोज्ड होगा ही होगा, लेकिन फिर भी लिख लो Closed isobar must be there. Closed isobar must be there. और चौथा
ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टर्ली विंड के कारण कि वे स्टर्ली के कारण स्टर्ली के कारण। और ये सोचो सर कहाँ से आया है, हमको अगर विंड मैप पहले नहीं पढ़ाता, मैं पहले साइक्लोन पढ़ा देता तो आपको घंटा समझ में नहीं आता कि स्टर्ली के कारण हो रहा है कि वे आप रट लेते, मतलब बेसक आप रट लेते, आपको कहने के लिए हमको आप कुछ बोलते भी नहीं, लेकिन फिर भी कनेक्ट करने में आसान हो जाएगा आपको क्योंकि स्टर्ली विंड इक्वेटर के आस पास है। तो ट्रॉपिकल वाले क्षेत्र जब स्टर्ली है तो स्टर्ली जिम्मेदार होगा, क्या क्लियर है यहाँ तक। तो ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात बोलूँ तो कौन सा विंड जिम्मेदार होगा, स्टर्ली, और टेम्परेट में कौन सा होगा, वेस्टर्ली। तो लिख लिया जाए टेम्परेट साइक्लोन जो है वेस्टर्ली विंड के साथ चलेगा, टेम्परेट साइक्लोन वेस्टर्ली विंड के साथ चलेगा। हो गया, 200 शतक मार दिए हैं, 201 पे आ जाइए, एक रन ज्यादा मार दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, ब्रेन लगा के रिकॉर्ड टूट जाएगा। पेज नंबर 201 पे आइए, अच्छा नहीं उसमें सही नहीं है, अच्छी बात है, अच्छा रहने दे, चलो ठीक है कल मिलते हैं, हाँ ज्यादा दिन एकदम हो जाएगा। सुनिए जो जो पढ़ाया हूँ बस लास्ट पर बोल ही देता हूँ, नींद भी आप लोग मारी नहीं है थोड़ा बहुत, ठीक है ना किसावन अभी, अरे टेंशन नहीं लेना, रोड नहीं लेना है, मुझे पता है कि समय बहुत बढ़िया है, 3-4 दिन गैप जाने के बाद थोड़ा नींद आता है तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, और मैं आपको भी पता है कि मजे मजे में काम हो जाता है। लास्ट में रिपीट कर देता हूँ क्योंकि नींद में जाके तो रिपीट हो जाएगा। इधर देखो मैं ह्यूमिडिटी वाला सब पढ़ा चुका हूँ, साइक्लोन पे आता हूँ, साइक्लोन के लिए क्या क्या चाहिए पहला रिपीट करो, बोलो बोलो पहले, बोलू या ना बोलू, पहले जोर बोलो, ऐसा ना बस जा रहे हैं तो मोटे मत, बस 45 हो गया। तो मैंने बोला पहले क्या, लो प्रेशर चाहिए चाहिए, दूसरा कोरियोलिस फोर्स चाहिए चाहिए, क्लोज आइस होगा होगा ही होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन जब बनेगा तो स्टर्ली विंड के कारण बनेगा, टेम्परेट बनेगा तो वेस्टर्ली के कारण बनेगा। कल मैं बताऊंगा कैसे फॉर्मेशन होता है साइक्लोन का, और कल आपको पूरा उसमें प्रोसेस आएगा कौन कौन सा, फ्रंट वाला टेम्परेट साइक्लोन फ्रंटोजेनेसिस के कारण बनता है, इसलिए फ्रंटोजेनेसिस पहले पढ़ा है। तो फ्रंट वार्म और कोल्ड के कारण ही बनेगा, तो कोल्ड करंट के कारण, कोल्ड फ्रंट के कारण, जो वार्म फ्रंट के कारण, कल कंटिन्यू करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर आगे बढ़ेंगे।